अच्छा, आज का बेटा जो लेक्चर है, ये हमारा वैसे 7th लेक्चर है। इसमें हम जो लास्ट मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी गोरी और जो हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, उसमें आपने इल्तुतमिश को पढ़ा है और बलबन को पढ़ा है। अभी ये स्लेव डायनेस्टी से हटके आगे एक डायनेस्टी आ गई है, छोटी सी डायनेस्टी है 30 साल की। आज के लेक्चर में हम स्लेव डायनेस्टी से आगे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द खिलजी डायनेस्टी। क्या है खिलजी डायनेस्टी? खिलजियों को पढ़ेंगे, और खिलजी में टोटल 3 रूलर्स हैं। उसमें सिर्फ एक ही बंदा है काम का जिसको पढ़ना है, जिसका क्वेश्चन आएगा, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ये नाम लिख लें, इसके मैं सुबह एमसीक्यूज भी सेंड करूंगा ऑफिस टाइम में, तो आपने मुझे याद करवा देना है, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका मेन रूलर है, इसने 20 साल गवर्नमेंट किया है। जलालुद्दीन ने इसकी बुनियाद रखी थी, और जलालुद्दीन इसका चचा भी था अलाउद्दीन का, और इसका ससुर भी था। और हमारी हिस्ट्री बड़ी जालम है, यहाँ पे चचे अपने भतीजों को अपनी बेटियां भी देते थे, और उनसे उन्हीं के हाथों मरते थे, और अपनी हुकूमत भी उनको देते थे। और इसको पाला भी इसके चचा नहीं था, और इसने उसी को मारा और उसी के थ्रोन पे कब्जा करके एंजॉय किया। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले एक हिस्टोरियन का इंट्रोडक्शन करवा दूं। इसने काफ़ी ज़्यादा इस इराम में लिखा है। हिस्टोरियन में से जियाउद्दीन बरनी है, मैंने आपको आगे भी बताया, वैसे बरानी भी पढ़ते हैं, बरनी भी, ठीक है? और ये पहला मुस्लिम हिस्टोरियन है जिसने इंडियन हिस्ट्री लिखना स्टार्ट की थी, मतलब सबसे ऑथेंटिक जो मुस्लिम हिस्टोरियन है वो बरनी है, ठीक है? और ये नादम की ड्यूटी भी करता है, उसका जो कंपेनियन था, मददगार था, बून कंपेनियन, हेल्पफुल था उसकी तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसके बाद आएगी तुगलक डायनेस्टी, ठीक है ना? तो इसने तारीख़े फिरोज शाही लिखी है, मतलब ये इसकी इम्पोर्टेंट, आपने जब रेफरेंस देना है बरनी की जो किताब है तारीख़े फिरोज शाही, इसमें फिरोज शाह की सारी हिस्ट्री लिखी है। इसमें फतवाए जहानदारी भी लिखी है, ठीक है ना? इसमें टेम्पोरल गवर्नमेंट, टेम्पोरल सेकुलर टाइप कोई चीज़ हो तो उसे कहते हैं। ये जियाउद्दीन बरनी का इंट्रोडक्शन है, ये इम्पोर्टेंट है इस इराम में, तो इसलिए मैंने लिख दिया। बाकी और भी लोग हैं, चिराग दहलवी हैं, अमीर हसन हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें ना कुछ अहदे हम डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन डिटेल में नहीं, क्योंकि हमने इनके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन आपका होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये जो खिलजी डायनेस्टी है, इट इज दी पार्ट ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है? दिल्ली सल्तनत, सॉरी, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 में और जाके खत्म होती है 1526 में। और ये सारे जो, जैसे आपके आजकल मिनिस्टर हैं, वजीर आजम हैं, वजीर हैं, ये सेम वैसे उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया था अपने दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए। और ये थोड़ी बहुत आज यूज होंगे, खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने थोड़े बहुत ये काम किए थे, तो उसमें ये सिस्टम चलता रहा, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है। इसमें एक ओहदा होता है दीवाने रिसालत, ठीक है? इसे डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स कहते हैं। जनाब, आपने कोई अपील दर्ज करानी है, कोई दरख्वास्त देनी है, कोई कंप्लेन करनी है, वो दीवाने रिसालत में आप करवा देंगे। दीवाने अर्ज जो है मिलिट्री का डिपार्टमेंट था, जो भी ये बंदा गून जो आपके लास्ट एम्परर ने बनाया था, उसमें स्लेव्स का जो डिपार्टमेंट इनको डील करता है, ठीक है? काजी ये ममालिक जो उसका जो दीवान था, उसे दीवान डिपार्टमेंट को कहते हैं ना, ये जस्टिस का डिपार्टमेंट। इश्तियाक, दीवान इश्तियाक जो पेंशन को डील करता है, पेंशन आपको पता है, कोई बंदा रिटायर हो जाता है आर्मी से या कोई गवर्नमेंट सर्विसेज से, उसके बाद उसको जो पेंशन का मैटर होता है, उसकी सारी जो बनती है रिटायरमेंट वगैरह, वो ये इश्तियाक, ठीक है ना? मुस्तखराज जो है एरियर्स, एरियर्स पता है क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो गवर्नमेंट की तरफ आपकी ड्यू हो जाए ना, उसे एरियर्स कहते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो फिर आपको मिलती है बाद में, जब आप नई नई जॉब ज्वाइन करते हैं, तो आपको पहली सैलरी जो है ना 2 3 4 5 महीनों बाद मिलती है। तो उसमें जिस महीने आपकी सैलरी आती है, उसी महीने की आती है, वो पीछे जो 5 6 महीने हैं फिर वो एज अ एरियर्स जमा होते हैं, तो आपको इकट्ठे मिल जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा भी गवर्नमेंट में मुख्तलिफ एरियर्स जमा होते रहते हैं, आपके जो जीवी फंड होते हैं एक्सेट्रा, वो आपको इस तरह एरियर्स को जो डील करता था वो ये था। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें हमारा बहुत ज्यादा काम नहीं है। दीवाने हेरात जो चैरिटी का डिपार्टमेंट था, उसके बाद जो है, एक मिनट,
हाँ, दीवाने को ही, ये एग्रीकल्चर का, ज़राइत का जो डिपार्टमेंट था उसे दीवाने को ही कहेंगे। अच्छा बेटा, इसकी ना डिटेल मैंने आपको वर्किंग बतानी है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, इंडियन के जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें भी दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत दफ़ा पूछा गया है बड़ी डिटेल में, और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाजमी पूछा जाता है। उसमें ये सारे डिपार्टमेंट हैं, इसमें हम सारी चीज़ें नहीं डील करेंगे, कुछ कुछ हैं जो हमने डिटेल में बात करनी है और कुछ हमने सिर्फ टू दी पॉइंट बतानी होती है। और इसमें टोटल 7-8 पेजेस के ये सारे बनेंगे, और मैं आपको बता दूंगा फिंगर टिप्स पे अपने इनको याद कैसे रखना है। अगला लेक्चर माइट भी हमारा कल का उसी पे, इसी पे ही हो जाए ना, ठीक है। एक दीवाने इंशा जो है ये कोरेस्पोंडेंस का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, वो जो सारी डिटेल्स रखते हैं चीज़ों की उसे कोरेस्पोंडेंस कहते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये भी एक ओहदा है वजीर का, इसे आप कह लें आजकल जो आपका वजीर आला होता है उसे, उस दौर में उधर वजीर कहते थे। ये सेंट्रल लेवल के जो ऑफिस हैं, प्रोविंशियल लेवल का नहीं, सेंट्रल लेवल का, चीफ मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस भी यही होता है, ठीक है। ठीक है, अरिजे ममालिक जो है ये मैंने आपको बताया है, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। काजी जो होता है ये जो जस्टिस वगैरह के लिए शरीयत का लॉ जो है ना वो डिस्पेंसिंग कर रहा होता है, इसमें जो जस्टिस डिस्पेंस करना होता है वो इसी ने करना होता है अकॉर्डिंग टू द शरिया, ठीक है। ये लीगल ऑफिसर भी इसे कहते हैं। वकीलेदार, ये जितने भी शाही खानदान के मैटर्स हैं ना उनका कंट्रोलर होता है, ठीक है। शाही खानदान, शाही खानदान से बादशाह का खानदान, उसके घर के जितने भी मामला हैं वो वकीलेदार ने उनके घर के सारे हाउस होल्ड पर्पजेज के, उनके घर में जो सब्जी आ रही होती है, कपड़े खरीदे जा रहे होते हैं, उनकी बेगमात के जूते खरीदे जा रहे हैं, उनकी कमरों में जो लाइटें लग रही होती थी, बेड बन रहे होते थे, सारे वकीलेदार की जिम्मेदारी होती है, मुंशी होता है ऐसा नहीं। बरीदे ममालिक जो है ये जो उनकी जो न्यूज़ एजेंसी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका ये हेड होता है, ठीक है। जो पब्लिक नोटिस जैसे हम देते हैं वो रिलीज, सॉरी जो आती है पब्लिक रिलीज। अच्छा, अमीर मजालिस, या इसे अमीर मजलिस भी कहते हैं, जितने भी शाही खानदान ने, जितने भी उनके फेस्टिवल्स होंगे, जितने भी उनके खाने शाने मैटर्स मीटिंग्स अरेंज करने के लिए, ये उसके लिए होते हैं। मजलिस आम ये एक असेंबली होती है जहाँ पे वो वजीर और ऑफिसर्स बैठ के डिस्कस करते हैं अफेयर्स को। काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑफिसर्स कंसल्टेड ऑन इम्पोर्टेंट अफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है, जहाँ पे आप समझ लें एक तरह की उनकी नेशनल असेंबली थी मजलिस आम, ठीक है। दाहरे ममालिक जो है वो हेड रॉयल ऑफ कोरेस्पोंडेंस, रॉयल कोरेस्पोंडेंस, रॉयल खानदान के, शाही खानदान के जितनी भी उनकी लवाजमात हैं उनके रिलेटेड जो हर हेड होते हैं दाहरे ममालिक उसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बेसिकली। तो बेटा आपने खिलजी डायनेस्टी को देखना है, ये मैंने आपको पढ़ाया था 1290 में डायनेस्टी खत्म हो गई थी हमारी, जो ममलूक डायनेस्टी थी, ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की और कैकब आबाद जो था वो उस पर ख़त्म हो गई, बलबन का, जो बलबन के बाद जो आया था। कैकब आबाद को शिकस्त दी थी खिलजी डायनेस्टी के बाबा जी, उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचू जान थे। अच्छा, खिलजी डायनेस्टी को आप खिलजी भी पढ़ते हैं, खालजी भी पढ़ते हैं, खालजी, खालजी नहीं पढ़ना, खालजी, ठीक है ना। ये जनाब जो 5 मुसलमान डायनेस्टीज आई हैं उनमें से ये सेकंड वाली है, खिलजी डायनेस्टी कौन सी है, सेकंड वाली। और अलाउद्दीन इस डायनेस्टी के जो आज हम पढ़ेंगे वो दूसरे रूलर हैं। अच्छा, मैंने पहले आपको बता दिया, पहली आपकी सलेव डायनेस्टी है, फिर खिलजी है, और फिर तुगलक है, फिर सैयद है, फिर लोधी है। ये तरतीब आपने बेटा नहीं याद रखनी, सॉरी नहीं भूलनी, तो आपने ये तरतीब याद रखनी है ताकि आप इसको कोड कर सकें रेफरेंस के तौर पर, कभी भी भूलनी नहीं। अच्छा, इसमें खिलजी डायनेस्टी आती है, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वो एमसीक्यूज कोई ना आ जाए, वैसे कोई ये हिस्सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी इम्पोर्टेंट। खिलजी वाज वन ऑफ द 5 मुस्लिम डायनेस्टीज, जो दूसरी डायनेस्टी है पहली ममलूक, टू द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। खिलजी डायनेस्टी सक्सीडेड द ममलूक के डायनेस्टी, सॉरी ममलूक डायनेस्टी जो मैंने आपको बताई है स्लेव डायनेस्टी। अब इसमें ये रूल्ड बाय तुर्किश लीडर मोइजुद्दीन, जो लास्ट रूलर था ममलूक डायनेस्टी का, इसको जलालुद्दीन ने शिकस्त दी थी कैकबाद को
उसके बाद ये डायनेस्टी जो बनती है दैट इज कॉल्ड खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 में इसकी बुनियाद रखते हैं जनाब जलालुद्दीन साहब, जब ममलूक डायनेस्टी के आखिरी रूलर को मारते थे। और जलालुद्दीन की उम्र पता कितनी थी, ये तकरीबन 75 साल का था, बूढ़ा हो चुका था। और 75 साल में आपको पता है फिर डायनेस्टीज तो नहीं चलती हैं, ठीक है। आप इसकी एज लिख लें, शायद मैंने नहीं लिखी, 75 ईयर्स का था जलालुद्दीन। रूल द डायनेस्टी टिल 1296, मतलब 1296। 1290 में ये आते हैं जनाब, 1292 में अलाउद्दीन साहब इनसे छीन लेते हैं ऑलमोस्ट। छीनने के बाद 4 साल इसको वो रखते हैं किडनैप करके, छुपा के फिर इसको मार देते हैं। फिर वो आल इन आल हो जाते हैं, ठीक है, अपने सुसर का, चचा का कत्ल कर देते हैं, उस सुसर का, उस चचा का जिसने उनको पाला भी होता है। इसलिए कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और इनके सीने में भी दिल नहीं था। जितने भी रूलर आए उन्होंने चचा, भाई, ताया, फूफा सबको मारा। When his nephew Alauddin Khilji murdered him, 1296 मतलब 1296 में इसके ही भतीजे ने इसको मार दिया, और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी का पहला रूलर खत्म और अलाउद्दीन का रूल आ गया। अलाउद्दीन ने ऑलमोस्ट 30 साल हुकूमत की, ठीक है, सॉरी 20 साल, 1296 से 16 तक मेरे ख्याल में किया, 1316 तक, 4 साल में एंड में मुबारक रहा। अच्छा, खिलजी डायनेस्टी देखें, इसके अंकल की डेथ के बाद क्या होता है, अलाउद्दीन ने रूल किया खिलजी डायनेस्टी के ऊपर, ये 1320 में ख़त्म हो जाती है, ये 30 साल चलती है। 30 साल इसके वजूद के दौरान खिलजी डायनेस्टी वाज रूल्ड बाय जलालुद्दीन, अलाउद्दीन एंड कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है जी। ये तीन इसके रूलर हैं, छोटी सी डायनेस्टी है, और हमने पहले और दूसरे को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अलाउद्दीन ही थोड़ा बहुत था, अगर ये भी इनकॉम्पिटेंट होता तो खिलजी डायनेस्टी का शायद नाम भी ना रहता, मजबूरी है, तारीख में इसको लिखना पड़ता, लेकिन इसने थोड़े से एक्टिविटीज ऐसी की कि इसको लिखना पड़ता है हिस्टोरियंस को। अलाउद्दीन खिलजी वाज अ लिटिल बिट कॉम्पिटेंट, और बड़ा दूरंदेश आदमी था। रिफॉर्म्स इसने की तीन चार किस्म की, पोलिटिकल, सोशल, और इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसने की, मिलिट्री रिफॉर्म्स की। अच्छा जी, अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका मैं इंट्रोडक्शन करवाने के बाद फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये जनाब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल सादा। अलाउद्दीन खिलजी ये जो है ना, ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर है इन इंडियन हिस्ट्री, इसे कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब अजीम मुस्लिम रूलर में से एक है। ये ग्रेटेस्ट नहीं है, सबसे अजीम नहीं है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अच्छा, अलाउद्दीन ने नेफ्यू ऑफ फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन का भतीजा था। अलाउद्दीन जो है, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है अली गुरशासप। ये अली गुरशासप के तौर पे पैदा हुआ, मतलब इसका जब ये पैदा हुआ इसका नाम ये रखा गया था अली गुरशासप, ठीक है ना। फिर इसने जो अलाउद्दीन अपना इसने ओन किया, 1266 में जनाब ये पैदा होता है, और रेज्ड बाय हिज अंकल जलालुद्दीन, जिसको ये बाद में मारता है और उसकी बेटी से शादी भी करता है। तो इसमें बहुत बड़ा इशू भी चला था, इसकी बेटी के साथ जो इसकी शादी थी, फिर इसका कहीं और भी इश्क चल रहा था, तो उसमें इनके अफेयर्स के बारे में उसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि दैट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू आवर टॉपिक। तो उसमें फिर इसकी बीवी के साथ भी इख्तलाफात हो गए, जब इसने इसके बाप को मारा था, फिर उसके बाद उसने उसके खिलाफ साजिश भी चली, लेकिन शी वाज अनसक्सेसफुल। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा इसमें डिबेट है। खैर, अच्छा इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं, अगर आप लिखना चाहें तो अपने पेपर में कहीं भी आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं किसी भी हवाले से। एक बड़ा अच्छा जनरल था, स्किल्ड वॉरियर था, मतलब बड़ा जंगजू था, ज़बरदस्त किस्म का, ये बड़ी रियलिटी है। और इसने मंगोलों को, ये बंदा था जिसने मंगोलों को शिकस्त दी थी। बाकी तो मंगोलों को कैटर करते थे ना दूर दूर से, कभी डिप्लोमेटिकली, कभी भगा देते थे, कभी माफी मांग लेते थे, कभी पैसे दे देते थे, कभी जनाब शुक्र करते थे वो नहीं है। और इसने तकरीबन अपनी जिंदगी के 1297 से लेके 1307 तक, तब तक 1307, ये आप लिख लें, जनाब ने उनको शिकस्त दी बुरी तरह, ठीक है, काफी पॉइंट्स पे उनका आमना सामना हुआ, पर इसने उनको बुरी तरह मारा और मंगोल यहाँ से फिर वापस नहीं आए। मंगोल इसके बाद, इस चीज के बाद तो डिवाइड हो गए थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में बन गए थे। अच्छा, ये दूसरा इसके बारे में फैक्ट्स ये है कि इसने
क्वालिटी और टेक्नोलॉजी जो है ना अपनी मिलिट्री की, वो इंक्रीज की। मिलिट्री को मॉडर्न वेपन्स दिए इसने और उनकी तादाद बढ़ाई। इनकी सैलरीज जो है ना वो इसने कम सैलरीज पे मिलिट्री रिक्रूट की, क्योंकि इसने एक प्राइस कंट्रोल पॉलिसी दी थी। मार्केट में चीज़ों का रेट बहुत कम था। अगर आपको एक गांव से चीज़ मिल रही है, लेट्स सपोज आपने सब्जी खरीदनी है, वो उसमें गाजरें हैं, गोभी है, शलजम है, आपको 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, और इसमें दिल्ली सल्तनत के सिटी दिल्ली में वो मिल रहे थे 2 रुपये किलो। तो अब ये कोई मिलिट्री ऑफिसर जो है वो 6 रुपये पे नौकरी करने को तैयार था, क्योंकि उसको पता था मुझे ये काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, 80% रेट जो है ना कम है बाहर की निस्बत। तो इसलिए इसने ये बेसिकली मिलिट्री की तादाद बढ़ाने के लिए, मंगोलों को शिकस्त देने के लिए इसने चीज़ों के रेट कम कर दिए, फिक्स रेट कर दिए। और इसकी जो 15 साल पॉलिसी इंप्लीमेंट रही है, ऑलमोस्ट वो फिक्स रेट ही रहे हैं। हालांकि ये अननेचुरल और अगेंस्ट द इकोनॉमिक लॉ है कि आप चीज़ों के रेट फिक्स कर दें। हर साल कॉस्ट डिफरेंट होती है प्रोडक्शन की, तो इसलिए दैट वाज नॉट। हाँ जी बिल्कुल, एलेक्जेंडर भी इसने कहा था, बिल्कुल कहा था, बिल्कुल बेटा, एलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब इसको हिस्टोरियंस भी कहते हैं भाई, इसने खुद नहीं कहा था, हिस्टोरियन भी कहते हैं कि ये इसको एलेक्जेंडर द ग्रेट। अच्छा, इसके बाद इसने जो किया, दिल्ली सल्तनत जो है उसको एक्सपेंड भी किया, इसने काफ़ी एक्सपेंशन की। इसने गुजरात किंगडम को ऐड किया, ये मैंने आपको मैप दिखाए हुए हैं, रणथंबोर को और चित्तर को, ठीक है, इनको ऐड किया अपने साथ, और भी काफ़ी थे छोटे छोटे इलाके। और ये पहला बंदा था जिसने डेकान में, डेकन जिसको कहते हैं, उसमें इसने इन्वेट किया और इसको कनकर भी किया, फतह भी किया। और आपने एक कहानी सुनी होगी, बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी, कोहे नूर हीरे के ऊपर। और ये डकान का जनाब जो बाबा जी थे वहां पे, ये थे प्रताप रुद्रा देव, इन्होंने जनाब इसको ये कोहे नूर हीरा गिफ्ट कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है, वेरी लार्ज डायमंड। आजकल ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये लंदन में पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर कोहे नूर हीरा, आमिर खान ने भी चोरी किया है, सब सब चोरों ने चोरी किया है इंडियन में, लेकिन नहीं कर सके, रियल में तो नहीं कर सके, ठीक है ना। अच्छा जी, ये है जी प्रताप रुद्रा देव ऑफ वारंगल्स इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ तेलंगा। ये जो इंडिया का, इस तरह अगर इंडिया का मैप है ना आप इधर देखें, तो इधर जो ये वाला इलाका है ना साउथ ईस्ट में, यहाँ का जो इलाका था वहाँ का जो बैठे था इसने, डेकान का इलाका, तो वहां इसने जनाब दिल्ली सल्तनत में ये हीरा गिफ्ट किया था इस बंदे ने, ठीक है ना, साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ कंट्री, ठीक है, ये हिस्सा बनता है। अच्छा जी, पॉसिबल क्वेश्चन जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बेटा आपको आएंगे वो ये है, ओकेगा जी इसको डिस्क्राइब करें, क्लियरली डिस्क्राइब, ये चीज बयान करते हैं सीधा सीधा, क्या प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, इसने एक प्राइस कंट्रोल पॉलिसी दी थी, कीमतों को कंट्रोल कर दिया था, हर चीज की मार्केट ही नई बना दी थी, सिस्टम ही नया बना दिया, मवेशियों के लिए लैदा, कपड़ों के लिए लैदा, और जनरल मार्केट लैदा, फ्रूट मंडी लैदा, जो मंडियां बनी हुई है ना हमारी आजकल, फ्रूट मंडी, मंडी से मैं फ्रूट लेके आया हूँ, सब्जी लेके आया, वो इसी ने कॉन्सेप्ट दिया था। अलाउद्दीन खिलजी एंड स्टेट इट्स इफेक्ट अपॉन द जनरल कंडीशन ऑफ कंट्री। अब इसने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी दी थी वो बयान करनी है, फिर उसके बाद उसके इफेक्ट्स बताने हैं कि क्या इफेक्ट्स हो रहे थे इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है, अलाउद्दीन की जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं वो कहता जी समटाइम डिस्क्राइब्ड एज रेवोल्यूशनरी, गिव योर ओन क्रिटिकल व्यू ऑन देयर नेचर एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसमें आप ये देखें कि इसकी जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं वो सेम एज इट इज हैं, जो प्राइस कंट्रोल इसकी पॉलिसी है उसकी, और इसको आप रेवोल्यूशनरी किस कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे ये चीज आपने देखनी है। ये वाकई उस दौर में अगर ही वाज सेइंग कि आई एम द अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो देन इसको कोई ना कोई चीज तो ऐसी थी ना जो इसने रेवोल्यूशनरी की थी। और अगर कोई बंदा सिर्फ रूल करता है और वैसे ही चल रहा होता है जैसे ट्रेडिशंस चल रही होती हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं, तो वो कोई इस तरह सक्सेसफुल रूल नहीं होता, इसने कोई डिफरेंट करके दिखाया था। तो बाकी इसका जो है ना, नो डाउट ये अपने मोहसिन को मार के आया था, अपने अंकल को मार के आया था, सुसर को, लेकिन इसने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म बड़ी जबरदस्ती थी, इवन दो के इसने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी पूरा कंट्रोल कर लिया। इसके बाद वो कहते हैं कि व्हाट मेथड डिड अलाउद्दीन अडॉप्टेड टू सबडू द फ्यूडल्स। अच्छा, जो कुछ लोग उमरा थे, वेल्दी थे, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, अमीर लोग थे,
उनको इसने थोड़ा सा काउंटर किया, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए, उनसे ज़मीनें वापस ली जो जलालुद्दीन ने उनको दी थी। तो इसने फिर उनको डिफरेंट तरीके से काउंटर किया, और इसके अलावा इसकी जो मिलिट्री रिफॉर्म है उनको भी डिस्कस करना। अच्छा, डिस्कस सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जो इसने 1296 टू 1307 तक की, ठीक है। और प्राइस कंट्रोल पॉलिसी फिर आ गया, ये जो पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो इसका इफेक्ट्स जनरल कंडीशन ऑफ कंट्री के ऊपर, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये जानना होगा कि प्राइस कंट्रोल पॉलिसी इसकी क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइस कंट्रोल पॉलिसी क्या है, और क्या कंडीशन थी, और इसके पीछे फैक्टर्स क्या थे जो ये सक्सेसफुल होगी, क्यों इसने दी थी, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो इंट्रोडक्शन होता है वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बड़ा की इम्पोर्टेंस होती है इसकी। इसमें आप इसको किसी भी एंगल से बना के लिख सकते हैं। अब देखें, अगर क्वेश्चन आ जाए प्राइस कंट्रोल पॉलिसी को आप डिफेंड कर रहे हैं और प्राइस कंट्रोल पॉलिसी के ऊपर आप नोट लिखना चाह रहे हैं, और आपने अलाउद्दीन खिलजी को एक रेवोल्यूशनरी लीडर भी जो है ना वो प्रूव करना है एंड पे, कि वाकई ही वॉज वेरी विजनरी, और इसमें आप लिखेंगे प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो है अलाउद्दीन खिलजी की, वो एक न्यू एक्सपीरियंस था, न्यू एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और इसने एक नई चीज़ दी थी इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। इट वाज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन दैट प्रूव क्वाइट सक्सेसफुल, एंड अलाउद्दीन खिलजी वाज कॉल्ड एज अ ग्रेट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। ये जनाब लेन पूल अब एक हिस्टोरियन है। अब हम हिस्टोरियन का जब रेफरेंस देते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर भी आप चीज़ ये दे सकते हैं। लेन पूल भी हिस्टोरियन है, बरानी भी हिस्टोरियंस हैं, चिराग दहलवी भी, खुसरू भी, और अमीर हसन भी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन हैं, एक मिनट। अच्छा जी, सॉरी फॉर द ब्रेक। अच्छा, हमारी बात हो रही थी, हाँ, इनके इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन के हवाले से सबसे पहले आप ये देखें, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी इन्होंने दी, और ये नया एक्सपीरियंस था किसमें, इंडियन हिस्ट्री में। आपको मैं 712 से पढ़ा रहा हूँ, आपने पहले देखा है कि किसी ने इस तरह की पॉलिसी दी हो। लोगों ने अपनी तारीफ तो करवाई है, किंगशिप तो उन्होंने दी है कि यार मेरी तारीफ करें। लोगों ने डिप्लोमेटिक, जैसे इल्तुतमिश ने मंक बरनी को कहा था, यार ये जो इंडिया का मौसम है, ये क्लाइमेट है, तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तुम चले जाओ, तुम ताकि चंगेज खान मुझे आके ना मारे। तो जो उसके बाद बलबन है, उसने किंगशिप पॉलिसी दी, जिले इलाही दिया, आपने अब सजदा करवाया, आपने आपको सॉलिट्यूड, सारी चीजें। लेकिन ये जो बंदा है, इस बंदे ने आवाम के लिए कुछ करने की कोशिश की, जुरत दिखाई। अब ये देखें, अब इसने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो है ये प्योरली फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक की आप, लेकिन बेटा एक बात याद रखें, इसने बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं की, ना ये की जा सकती है। आप एक साल में, आप इस साल गंदम लगाते हैं तो गंदम पर एकड़ के ऊपर आपकी जो खर्चा आ रहा है वो कम से कम 60 से 70 हजार आ रहा है। आज से 10 साल पहले जब हम गंदम उगाते थे, मैं मुझे अपना याद है अपनी जमीन पे हम उगाते थे, तो तकरीबन 20 हजार 25 हजार रुपया खर्चा आता था, मैक्सिमम 30 हजार रुपया आता था, लेकिन अब डबल से ज्यादा हो गया 8-10 साल के अंदर अंदर। अब ये जो खर्चा है, अब हर साल सेम नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा, खाद की प्राइस बढ़ जाती है, पानी और डीजल ये वो एक्सेट्रा, अगर आप ट्यूबवेल चला रहे हैं तो बिजली की कॉस्ट बढ़ जाती है, अगर आप दूसरा डीजल यूज कर रहे हैं तो डीजल बड़ा महंगा हो जाता है। इसलिए अगर आप हर साल इसको कहेंगे जनाब एक ही चीज है और एक खास शहर में प्राइसेस फिक्स करते हैं और किसानों को के इसी रेट पे देनी है, तो किसानों को
मार्केट से वापस लेते वक्त उस पे महंगी खरीदनी पड़े क्योंकि वो अपने लिए रख नहीं सकते, तो इसलिए ये सारी चीजें एक अननेचुरल थी। लेकिन इसने क्यों की, इसने इसलिए की कि अपने दिल्ली के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर जो बंदे रह रहे हैं उन्हीं में से फौज को रिक्रूट किया, उधर ही फौज को आबाद किया ताकि फौज को सस्ती चीजें मिलें और वो कम तनख्वाह पे मेरे पास काम करें, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कम तनख्वाह पे काम करें और मैं मंगोलों के खिलाफ अच्छी पॉलिसी बना के उनके लिए लड़ सकूं। ये एक बेसिकली ये चीज थी, लेकिन ये दिल्ली से बाहर नहीं निकली। अच्छा जी, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो अलाउद्दीन खिलजी की थी वो एक न्यू एक्सपीरियंस था। आप लिखिए न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपेरिमेंट, नॉवल आइडिया इन दी हिस्ट्री ऑफ या मेडिवल हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बरेसगीर की जो मेडिवल हिस्ट्री थी उसमें एक नॉवल एक्सपेरिमेंट था। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ, ये एक अहम फीचर था किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने इतना कंट्रोल किया हुआ था सिस्टम को, अगर किसी बंदे ने शादी करनी होती थी तो अलाउद्दीन खिलजी को पूछना लाजमी होता था, गैदरिंग करनी होती थी तो पूछना लाजमी होता था, सोशल गैदरिंग, सोशल, कोई चार बंदे इकट्ठे मिलकर नहीं बैठ सकते थे। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ साजिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है, बगावत हो रही है। बादशाह को सबसे ज्यादा खतरा होता था रिवोल्ट का, बगावत का। अब करंटली देखें यार, 800 साल, 900 साल गुजर गए हैं, आजकल पाकिस्तान के अंदर बगावत आम है। कभी ये 2008 में देखें, 8 में यूसुफ रजा गिलानी आते हैं उनको उतार देते हैं, उसके बाद गिलानी के बाद नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के बाद इमरान खान को, ये सारे लोगों को अगर बगावत के तहत उतार रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में, हमारे डेमोक्रेसी में, तब तो पता नहीं, अभी सिस्टम डेवलप भी नहीं थे, तब बड़े कमजोर सिस्टम थे, इसलिए इनको रिवोल्ट का बड़ा खतरा होता था। ठीक है जी। अच्छा, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट फीचर था प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो अलाउद्दीन खिलजी ने दी। अच्छा, ये क्वाइट सक्सेसफुल रही एंड अलाउद्दीन वाज कॉल्ड एज अ ग्रेट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। अब ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कौन होता है? पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट वो होता है जिसने ऐसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हो जिसने उसको सियासी फायदा दिया हो, ठीक है, और सियासी वाले से भी उसने बहुत सारी खातर ऐसे इकदाम लिए हों जो इकोनॉमिकली बड़े फिट रहे हों, ठीक है। अब इसने दोनों चीजों को, सियासत और जो है ना मुआशी चीजों को, दोनों को बेहतरीन तरीके से ने डील किया। ये आपके इधर हिस्सा है इंट्रोडक्शन। ही फॉर्मुलेटेड हिज पॉलिसी इन सच अ वे, इस तरह बनाई कि दैट, अब ये दूसरा फैक्टर आ गया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स वर कंट्रोल्ड। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स वर कंट्रोल्ड से क्या मुराद है? एक मिनट बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। खैर, किधर से, किधर मसला हुआ? कुरंगी में? ओहो, तो अभी किधर है वो? अच्छा, चलें इसको ना बोले सुबह ऑफिस आए ना, डायरेक्ट उधर चला जाए, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, उधर जाके उधर चलें। चलें ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं बात करूंगा उसको, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, इसमें प्राइस, सॉरी, सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, ये इसने कंट्रोल कर ली थी। इसमें ये होता है कि जो आपको पता है आजकल भी मार्केट में, अब आईफोन आता है ना नया, आईफोन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या होता है, पाकिस्तान में जब आईफोन आते हैं एयरपोर्ट से तो हम पकड़ लेते हैं, दो से ज्यादा भी अब नहीं आने देते, तो फिर उसके बाद उनको, उनसे हम जो ड्यूटी टैक्सेस भी लेते हैं, तो इसकी थोड़ी सी ना जो डिमांड है वो ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, सप्लाई उस लिहाज से नहीं आती। हमने दो तीन ऐसे केसेस पकड़े हैं, बंदा पूरे के पूरे अपने बॉडी के ऊपर आईफोन लेके आ रहा था, बांध के ना अंदर, शर्ट के अंदर, पैंट के अंदर, और व्हील चेयर पे बैठा हुआ था और वो ग्रीन चैनल से गुजरना चाह रहा था, बट पकड़ा गया। 176 फोन थे उसके पास, एक बंदे के पास 39, एक इस तरह करके ना, ये डिमांड जो होती है ना, ये वाली डिपेंड करती है कि आपको जो पीछे से सप्लाई किस लिहाज से आ रही है। अगर आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए,
आप में किसी ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वो डेफिनेटली चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती है, लेकिन इसने दोनों को इस तरह मैनेज किया हुआ था, उतनी ही चीज जितनी मार्केट में चाहिए होती थी उतनी बेचता था और फिक्स प्राइस के ऊपर, मतलब ना डिमांड ज्यादा होने दी है ना ही सप्लाई ओवर होने दी है, ना ही सप्लाई को कम होने दिया। जितनी इसने पॉपुलेशन 1% निकाली थी स्टैटिस्टिक्स की मदद से, उस लिहाज से दोनों चीजें इसने कंट्रोल की। अच्छा, ये मतलब विजनरी आदमी था इसने यार, लैंड मेजरमेंट असेसमेंट, लैंड जो ग्रो करनी है कल्टीवेशन करनी है, हर लिहाज से इसने बड़े मजे के काम किए। अच्छा, प्राइस ऑफ एवरी आइटम जो भी मार्केट में थी उसकी प्राइस क्या थी? फिक्स थी, हर चीज की कीमत फिक्स, हर चीज, एवरीथिंग फ्रॉम ग्रेन्स जो गंदम है उससे लेके कपड़ों तक, जो इंसान कपड़े पहनता था, वर अवेलेबल इन द मार्केट एट रीजनेबल रेट। ठीक है, हर चीज। अब इसने क्लॉथ मार्केट ही लैदा बना दी थी, क्लॉथ मार्केट में कुछ ऐसे कपड़े थे स्पेशल जो आम बंदा नहीं खरीद सकता था, उससे पहले बादशाह की इजाजत चाहिए होती थी। अगर किसी की शादी है तो वो बताएगा कि मैंने अपनी बेटी को फलां कपड़े जहेज में देने हैं तो मुझे इजाजत दे, तो बादशाह इजाजत देता था। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। अच्छा, ये क्या हुआ, ये सारी चीजें इट रिजल्टेड, ठीक है, रिजल्टेड इन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री बेनिफिट्स फॉर अलाउद्दीन। अब इसको मिलिट्री बेनिफिट्स भी हुए, मैंने आपको बता दिया कि मिलिट्री बेनिफिट्स उसको किस तरह हुए। उसने थोड़ी सैलरी पे मिलिट्री रिक्रूट की, ठीक है, और इसने जनाब दिल्ली का अपना डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग किया, वहां पे सारी मिलिट्री चारों तरफ से, ताकि दिल्ली पे कब्जा तो पूरे बरसगीर पे कब्जा, बादशाह के घर पे कब्जा, तो सारी जगहों पे कब्जा। तो इसने जनाब पॉलिटिकली सोशली स्ट्रेटेजिकली मिलिटरीली सारे बेनिफिट्स लिए। अच्छा जी, इसकी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी की वजह से ही था कि ये जो 20 साल इसने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की, ठीक है, और दैट्स वाई अब इसको कहते हैं जी पहला तुर्किश एम्परर ऑफ इंडिया, जियाउद्दीन बरनी ने इसको कहा, ही वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल तुर्किश एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर का इसको टाइटल दिया, ठीक है ना। बेसिकली दीज वर सुल्तान, बट जो मुगल थे उनको हम एम्परर कहते हैं, जो दिल्ली सल्तनत के थे ये सुल्तान थे, किंग थे, लेकिन ये पहला एम्परर उसने डिक्लेयर कर दिया इसको, जियाउद्दीन बरनी ने, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसको का बतूता ने कहा, ही इज नोन एज अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ इन द हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इसने किए हैं वो, उसके पीछे इसके मोटिव्स क्या थे, क्यों इसको करनी पड़ी, इसको क्या क्या चीजें चाहिए थी, इसने अपने इकोनॉमिक फैक्टर देखने थे, इकोनॉमिक फैक्टर इस सेंस में इसको पैसा चाहिए था, इसको ये चीज पता चल गई थी कि यार अगर दौलत होगी तो फिर उसी सूरत में मैं कामयाबी से अपना सिस्टम चला सकता हूँ, जो स्टेट्स वीक होती हैं वो अपना सिस्टम नहीं चला सकती। लास्ट स्लाइड रिपीट कर दें प्लीज। ओके बेटा, ये देखें, ये बेटा है, मैंने आपको बताया कि जो इंट्रोडक्शन हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, ये वाला, ये उसका ही पार्ट है। अब ये जो सारे रिफॉर्म इसने की थी प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज, अब इसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री बेनिफिट्स हो गए इसको अलाउद्दीन को, ये अब इसकी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी की वजह से था कि इसने 20 साल तक कामयाबी से गवर्नमेंट की, 20 साल, ठीक है। अब इसको कहते हैं कि अगर हम इंसाफ करें तारीख के साथ, तो जियाउद्दीन बरनी ने इसको कहा कि ही इज द फर्स्ट तुर्किश एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे तो ये सुल्तान थे, मुगलों को हम एम्परर कहना शुरू किया था हमने, वैसे तो पहले ये सुल्तान थे, तो अब ये इसने कहा कि ये तुर्किश पहला एम्परर था इंडिया में, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, इसको बतूता ने अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा। अच्छा, अब ये देखें, इसमें जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स, ठीक है बेटा, अब इसमें इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं यार, इकोनॉमिक्स के लिहाज से आप देखें, आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी एक बंदा है अमेरिकी, मीन्स के सॉरी हैपन टू इट, अच्छा जी, अच्छा जी, एक है यूएसए, यार ये लिख क्यों मेरा,
नो। चलें छोड़ें से। अच्छा, इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम आ जाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में मैं इकोनॉमिक फैक्टर आपको ये सिर्फ इतना बता देता हूँ, जो मुल्क दौलत के लिहाज से अमीर हैं वो अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, और जो हमारी तरह कर्जों पे चल रहे हैं वो गरीब हो रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी इस चीज को 800 साल पहले समझ गया था कि अगर मेरी जो गवर्नमेंट है वो वेल्दी गवर्नमेंट होगी तो मैं अपनी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से बेहतर वे में मंगोलों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक्सपेंशन भी कर सकता हूँ, और अपनी राया को बेहतर तरीके से चला भी सकता हूँ, मेरे खिलाफ बगावतें भी कम होंगी। अब इसने इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ऐसे किया कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे ना उन सबको इसने ना खुडे लाइन किया था। मतलब अगर कोई बंदा फ्यूडल लॉर्ड था, अगर कोई बंदा नोबेल था, और अगर कोई बंदा तगड़ा था, उन सबको इसने इस तरह का जलील किया कि वो मजारा बनने पे आ गया। मजारा बहुत है जो जमीन ठेके पे लेके आपको ठेका देता है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा थे। स्ट्रेटजी जो मतलब इसकी थी मिलिट्री के लिहाज से, वो इसने मतलब इसको चाहिए थी। असल मंगोलों का थ्रेट था 13वीं और 14वीं सेंचुरी में। अलाउद्दीन चाहता था कि एक परमानेंट जो है ना आर्मी हो जो मंगोलों के खिलाफ लड़े, और इसकी मिलिट्री कैंपेन में बिल्कुल ठीक जबरदस्त। अच्छा जी, इसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर था और पब्लिक वेलफेयर था। पब्लिक वेलफेयर इसको कहें। ये सारे फैक्टर से मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें आप पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर की, नंबर वन की। अलाउद्दीन खिलजी को ये रियलाइज हो गया था कि अहमियत क्या है वेल्दी गवर्नमेंट की, एक ताकतवर हुकूमत की। ताकतवर हुकूमत जब चाहती है और उठ के मीटिंग छोड़ के चली जाती है, और गरीब हुकूमत वाले उसके पीछे पीछे तरले करते हैं। लेकिन जो गरीब हुकूमत है उठ के जाए तो वो अमीर वाले कहते हैं चलें दफा करें, पैसे मांग लेते हैं, जान छुट्टी। तो इस चीज का इसको अदराक हो गया था कि मेरे पास पैसा हो। किसी भी मुल्क की जो ताकत है वो मिलिट्री पे कम और इकोनॉमिक्स पे ज्यादा बेस करती है। आप ये याद रख लें, जब आपके पास पैसा होगा ना फिर आप एटम बम भी बनाएंगे, जब आपके पैसा होगा मोबाइल फोन भी बनाएंगे, गाड़ी भी अपनी बनाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा फिर आप लोगों को कर्जे भी देंगे, आप सीपैक से तजारत भी अपनी अपनी प्रोडक्शन के जरिए करेंगे, ना कि सीपैक को सिर्फ बनवा देंगे और लोगों की तजारत उधर से गुजरती रहेगी और आप उनका मुंह देखेंगे दूर खड़े होकर कि गाड़ियां किस तरह। अब ये वेल्दी गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी मौशी ताकत बन गया है और हम 40th नंबर पे हैं, तो इसलिए बड़ी ज्यादती है। हमारी जो एक इकोनॉमी होती है ना उसमें दो तरह की ग्रेडेशन होती है, एक तो अब नॉमिनल होती है, एक पीपी होती है। ठीक है, तो हम एक 26 पे हैं और एक लिहाज में हम 40-42 पे हैं। हाँ बिल्कुल, हार्ड और फास्ट पावर दोनों ही आपने अपने सिस्टम में ऐड करनी हो, और उसके जरिए आपको पैसा चाहिए। पैसा रियलिटी है हर चीज की, इंडिविजुअल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। अच्छा, इसने फिर क्या किया, इस चीज को रियलाइज करने के बाद इसने क्या किया, इसने मुल्क की इकोनॉमी को इस तरह कंट्रोल किया। इस चीज से भुट्टो इम्प्रेस हुआ, भुट्टो अलाउद्दीन खिलजी से इम्प्रेस था। इतना इम्प्रेस था कि इसने सारी सिस्टम को, जितने भी प्राइवेटाइज चीजें थी उनको नेशनलाइज कर दिया था। इस बंदे ने भी नेशनलाइज किया। अब इसने क्या किया, इकोनॉमी स्टेट की, रियासत की इकोनॉमी सारी इसने अपने कंट्रोल में ले ली। अब हर क्या चीज होगी, हर चीज स्टेट के हाथों में आ गई, हर चीज इसने स्टेट के हाथों में इधर लिखे नेशनलाइज कर दी, एवरीथिंग नेशनलाइज। अब ना कोई प्राइवेट जमीन ओन कर सकता था, ना कोई प्राइवेट बिजनेस कर सकता था, ना कोई प्राइवेट गैदरिंग कर सकता था, ना ही कोई प्राइवेट बंदा कोई भी बादशाह की मर्जी के बगैर कोई चीज खरीद सकता था। ठीक है ना, मतलब हर चीज नेशनलाइज थी। लोगों को इसने क्या किया, मजबूर किया, क्या करें, बेचें अपना सामान कहाँ पे, स्टेट के ग्रेनियर। ठीक है ना, ग्रेनियर ये क्या होते हैं, जो स्टोर बीन्स होते हैं जहाँ पे सामान रखा जाता है, स्टेट की जो चीजें होती हैं आप उसके स्टेट खजाने में, शाबाश बेटा, वहां पे इसने कहा जी जनाब ये फिक्स्ड प्राइस के ऊपर, आपने एक बंदा है लेट्स सपोज उमर है,
इसने लगा ली गंदम, इसने चावल लगा लिया, या इसने गन्ना लगा लिया जमीनों के ऊपर, कपास लगा ली। अब इसमें जनाब इसका खर्चा एक एकड़ के ऊपर आ रहा है 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए, सारा कुछ डाल के 6 महीने इसने मेहनत की। और बादशाह ने कहा, रेट निकाला कि जनाब आपने मन जो है 1 मन 400 रुपए का या 800 रुपए का बेचना है, और गवर्नमेंट को बेचना है, आप कहीं भी बेच नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए जो बंदा पैदा करता था उसके लिए बड़ा खतरा था। अगर उसका 1 लाख रुपए किले पे खर्चा हो रहा है या एकड़ पे खर्चा हो रहा है, तो वो अगर बेचारा बेच के जाता था 80,000 में, तो उससे 20,000 तो लॉस हो जाता था। फिर वो ही बंदा मार्केट से जाके अपने जरूरत के लिए खरीदता था वो ही चीज जो उसने खुद पैदा की होती थी, और मार्केट से उसको वो ही दाम मिलते थे जो महंगे दाम होते थे, ठीक है। तो आपके स्टेट के स्टोर में आप जमा करवा दें फिक्स प्राइस के ऊपर, ये इसकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी थी। इसने क्यों किया, जो अमीर बंदे थे जिनके पास जमीनें थी हजारों एकड़ में, वो ये सारी चीजें स्टेट को देंगे, और उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो स्टेट के खिलाफ बगावत कर सकें। ये मेन चीज, इसको ये खतरा था। इसने हर तरह से अपने खिलाफ बगावत करने वालों को बुरी तरह शिकस्त देने के लिए इसने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी दे दी, और स्टेट की तमाम इकोनॉमिक चीजें, आप इकोनॉमी अपने हाथ में ले ली, तमाम चीजों को नेशनलाइज कर दिया, और वेल्दी गवर्नमेंट बनाने के लिए इसने लोगों के माल के ऊपर जो है ना उनको फिक्स प्राइस पे खरीदा, और अपनी मर्जी का अप रेट देके स्टेट जो है ना प्राइस कंट्रोल पॉलिसी देके उनको बेचा। अच्छा, ये बतूता क्या कहता है, कहता है अलाउद्दीन वाज ऑफ दी व्यू, इसका ख्याल था कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये भी रियासत की जिम्मेदारी है, टू लुक आफ्टर द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, के लोगों की इकोनॉमिक वेलफेयर का। अच्छा, ये जब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे नेशनल सीएसएस में या पीएमएस, तो आपको पूछेंगे कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है या नहीं, तो इसके ऊपर एक बड़ी लंबी डिबेट है। तो कुछ लोग कहते हैं वेलफेयर स्टेट है, फिर उनके पास आर्गूमेंट्स नहीं होते, और कुछ लोग कहते हैं वेलफेयर स्टेट नहीं है, फिर उनके पास भी आर्गूमेंट नहीं होते, और आपको ये नहीं समझ आती कि आपने वहां पर हिपोक्रेट बनना है या रियलिस्टिक बनना है, ठीक है। तो ये चीज आपको कोई सियाने बंदे आपको इसकी क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे, और लाजमी पूछते हैं पाकिस्तान आइदर पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट आर नॉट, ठीक है। बेटा ये स्टेट का जो वेयर हाउस होता है ना, रियासत का जो खजाना होता है उसमें जमा करवाने हैं। मतलब अगर मैं इधर बैठा हूँ, मैं यहाँ का लेट्स सपोज एक खास इलाके का गवर्नर हूँ, और मैंने स्टेट ने यहाँ पे दो चार घरों को डिक्लेयर किया है कि जितनी भी गंदम होगी इन घरों में आपने स्टेट के खजानों में जमा करवा देनी है, जितने भी शैलर बने हुए हैं जो राइस डीलर्स हैं उनके पास, वो एक अनाउंस किया होता है ना स्टेट ने, उनको डिक्लेयर किया होता है वो है, ठीक है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी ऐसा ही है ना? नहीं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा नहीं है। इस्लाम में कैपिटलिज्म है, सरमायादराना निजाम है, अपनी मर्जी की खिदमत, अपनी मर्जी से खरीदें, मर्जी से बेचें, जहां दिल करे बेचें, कोई भी ऐसा नहीं है। इस्लामिक इकोनॉमिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट देता है, उसमें ज़कात का कॉन्सेप्ट है, वो इस तरह एक डिफरेंट वे में चला जाता है। इस्लाम इस तरह नहीं कहता कि आप फिक्स प्राइस पे, अगर 10 साल, इस्लाम ने तजारत का कॉन्सेप्ट दिया, तजारत होती है कि एक जगह से चीज खरीदें दूसरी जगह जाके बेचें। अगर आप बाहर से सामान महंगा खरीद के लाए हैं, तो दिल्ली के रियासत में आके बेचेंगे तो आपको सस्ता बेचना पड़ेगा, तो ये तजारत तो खराब हो गई, ठीक है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट इज समथिंग एल्स। अच्छा, इसके बाद इसने जनाब जो स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री रिफॉर्म्स दी, जो इसका इसकी जो ये चीज हम पढ़ रहे हैं, जो फैक्टर थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे, सबसे तो पहले इकोनॉमिक फैक्टर था, इसको पैसे की जरूरत थी, पैसा इसने सारा अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। और ये कहता है कि बतूता साहब ने थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू दे दिया कि यार ये इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों की चाहता था, लेकिन रियलिटी में ये बगावत रोकना चाहता था और मंगोलों को मारना चाहता, ये रियलिटी है। लेकिन आपने रियलिज्म तो दिखाना ही नहीं होता कहीं भी, ठीक है। अब ये देखें बेटा, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री फैक्टर्स, आप सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी मुल्क का, इकोनॉमिक्स के बाद किसी भी मुल्क की जो ताकत है, सबसे पहले पैसा है, दूसरा आपका डिफेंस है। डिफेंस बेस करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के ऊपर और मिलिट्री के ऊपर, और ये दोनों चीजें आपकी स्ट्रांग हैं, पैसा स्ट्रांग है, तो फिर आपको दूसरे मुल्कों के से साथ फिर भी पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर आपको, अब जब नई वार चल गई है, वो है
अब हम ट्रेडिशनल वारफेयर से हटके नॉन ट्रेडिशनल वारफेयर जैसे टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं। आपको फिर आजकल के दौर में टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, आपको आईफोन का प्रोडक्शन खुद करना होगा, इस तरह के उस लेवल की चीजें खुद बनानी होंगी। अच्छा जी, आप ये देखें, दिल्ली सल्तनत जो है वो, उनको मंगोलों का थ्रेट था, 13वीं और 14वीं सेंचुरीज जो हैं वहां पे दोनों सेंचुरीज, अब इसको मिलिट्री इंक्रीज करनी थी, मिलिट्री बढ़ानी थी, मंगोलों को मारना था। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, शाबाश, ये पुरानी टर्म हो गई है, हाइब्रिड वारफेयर आ गई है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जहाँ पे आपका वारफेयर जो है ना वो कोल्ड वारफेयर, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर से, हाइब्रिड वारफेयर से बहुत आगे जा चुके हैं। अब हाइब्रिड वारफेयर बेसिकली उसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, हर एंगल से आपको सामना होता है लड़ाई का, ठीक है ना। उसमें आप सिर्फ जो है ना फिजिकली नहीं मारते, ठीक है, उसमें हर चीज पे आप अटैक कर रहे होते हैं, उनकी मौशियत के ऊपर, उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल भी कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। किसी मुल्क को फंडिंग रुकवा देना किसी जगह से तो वो भी एक वारफेयर ही होता है, ठीक है। तो ठीक हो गया बेटा, गुड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। ये देखें जी, दिल्ली सल्तनत जो है वो मंगोलों का उसे खतरा था 13वीं और 14वीं सेंचुरी में। आपको पता है चंगेज खान गया था, लेकिन उसके बाद हलाकू खान और उसके जो सबऑर्डिनेट थे, सबऑर्डिनेट का सक्सेसर थे, वो थे लेकिन उतने ताकतवर नहीं थे, उस तरह की उनकी स्ट्रेटजी नहीं रही थी, मेन लीडर चला गया था, उसके बाद उनका डिक्लाइन चल रहा था, लेकिन वो लूट मार कर रहे थे, इंडिया में आते थे, मारते थे, लूटते थे, थोड़ा दूसरी साइड से, अफगानिस्तान की साइड से। अब इसमें पैसा तो उसके पास, उसने नेशनलाइज करके ले लिया, अब उसके पास अगला था मिलिट्री को कैसे एनहेंस करना है, मिलिट्री की पावर को कैसे बढ़ाना है। अलाउद्दीन क्या चाहता था, एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी हो जो क्या करे, दिल्ली सल्तनत का दफा करे, सिर्फ मंगोलों के लिए नहीं, वो चाहता था कि मिलिट्री कैंपेन भी हम करें और कंक्वेस्ट भी करें, हम और इलाके फतह करें। और जैसे मैंने आपको बताया, किंगडम ऑफ गुजरात और चित्तर वगैरह, रणथंभौर, इन्होंने सारे इलाके फतह किए। इसके अलावा 10-11 और इलाके हैं छोटे छोटे जो इसने कंक्वेस्ट किया, मंगोलों को भी मारा और हर दफा उनको शिकस्त दी। डेकन में इसने कंकर किया, ठीक है, जहां से इसको कोहिनूर भी गिफ्ट में मिला था। अब ये इसकी कोटेशन लेन पूल की समझे, वो कहते हैं, अलाउद्दीन डिफीटेड मंगोल्स बाय डिफरेंट टेक्टिक्स फ्रॉम 1297 टू 1307। इस दौरानिए में मंगोलों को इसने बुरी तरह मारा मुख्तलिफ टेक्टिक्स के। मैंने जो कोटेशन इसके अलावा एक पढ़ी थी जब आई वॉज प्रिपेयरिंग माई एग्जाम, इसमें डिफरेंट टेक्टिक्स का वर्ड नहीं था, जो मैंने अब लेटेस्ट पढ़ी है वो ये है, लेकिन इसमें ये मैंने ना एक रिसर्च पेपर डाउनलोड किया और उससे ये कोटेशन मिली, लेकिन इसमें ये था कि अलाउद्दीन ने उनको डिफेट किया था मिलिट्री को मॉडर्नाइज करते हुए, मॉडर्नाइज मिलिट्री, वेपनाइज किया, मॉडर्नाइज किया स्ट्रेटेजिकली और मिलिटेरिली, ये पूरी एक कोटेशन थी। अब इसमें मैंने उसको अपनी वर्डिंग इसलिए नहीं दी क्योंकि वो मुझे प्रॉपरली मिल नहीं सकी, मेरे जो डिटेल नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे बता रहे जी, हिज नेचुरल बेंट ऑफ माइंड वाज टू द एक्सपेंशन। डेफिनेटली एक्सपेंशनिज्म था, बलबन ने कंसोलिडेशन की हुई थी, एक्सपेंशन जो पीछे थी इल्तुतमिश और उसकी तरफ से, तो इसने एक्सपेंड तो करना था, एक बंदा कंसोलिडेट करता है उसके बाद एक्सपेंशन होता है, तो ये इसके मोटिव्स में था, ये कर भी रहा था दिल्ली सल्तनत। मैंने ऊपर इसके जो फैक्ट्स बताए हैं इसके बारे में, मैंने कहा था इसने एक्सपेंशन की थी, ठीक है बेटा। अब मैंने जो कोटेशन थी उसको अगर आप लिखना चाहें तो वो जरा मुझे सर्च करनी पड़ेगी, उसमें ये था कि जो अलाउद्दीन ने डिफीट किया था, ये डिफीट है, डिफीटेड मंगोल्स बाय मॉडर्नाइजिंग इज मिलिट्री एंड वेपनाइजिंग स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम 1297 टू 1307। ये दोनों कोटेशन एग्जिस्ट करती हैं, और ये भी लेन पूल की, ये लेन पूल की है, वो किसी और राइटर की थी, दोनों ही ठीक है, तो इसलिए लेन पूल की ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट मिल गई थी, तो इसलिए मैंने ये लिखी, आप इसको चेंज भी कर सकते। अच्छा ये देखें, वो इधर आ गया यार, जो हम उधर लिख रहे थे यूएसए वगैरह। अच्छा, इसमें पोलिटिकल फैक्टर्स क्या थे जो इसने ये रिफॉर्म दी थी? हाँ बिल्कुल, मैंने जो मिलिट्री रिफॉर्म्स अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं मिलिट्री रिफॉर्म्स में पढ़ाता हूँ, नीचे जाके मिलिट्री रिफॉर्म्स भी आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैदर दुरानी साहब, शाबाश बेटा।
अच्छा, इसमें जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसने रिवोल्ट्स का इसको सामना था। रिवोल्ट्स क्या थी? बगावत थी। किस तरफ से? एक तो अपने जो नोबेल से, जलालुद्दीन के नोबेल्स, वो इसको तंग कर रहे थे, वो बड़े खतरनाक हो गए थे और इसको तंग कर रहे थे, ठीक है। और इसको पता चल गया कि जो बगावत करते हैं, या वो फ्यूडल लॉर्ड हैं, या वेल्दी पीपल हैं, या नोबेल्स हैं, वो क्यों करते हैं? उसकी काज है वो अबंडेंट वेल्थ, दौलत की कसरत, लोगों के पास दौलत की कसरत, ठीक है, एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऐसे ही है जैसे कैपिटलिस्टिक सिस्टम में होती है। अगर आप कम्युनिज्म में रह रहे हैं, तो वो जैसे चाइना और रशिया, जैसे चाइना भी आप ओवरऑल तो फॉलो नहीं कर रहा, वो भी पार्शली कैपिटलिस्ट है, पार्शली कम्युनिस्ट है। रशिया काफी हद तक, नॉर्थ कोरिया काफी हद तक इसको फॉलो कर रहा है। इसमें ये है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तब होती है जब आपने सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम हमारा जो है ना, अगर वो राइज हो जाए, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, उसमें ज़कात का निज़ाम होता है। और ज़कात अगर सही पूरे तरीके से 2 साल तक दी जाए, तो पूरे सोसाइटी में से, पूरे मुल्क में से हकदारों तक पहुंचे, तो वो गुर्बत खत्म हो जाती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अनइक्वल में ये होता है कि जिसके पास सरमाया है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है और वो पैसे को पैसा खींचता है, आपने सुना होगा, वो और पैसा कमाता है। अगर एक बंदे के पास पैसे हैं, वो 40 लाख, 50 लाख, वो 2-3 गाड़ियां लेके रेंट आउट कर देता है, गाड़ियों से पैसे कमाता है, वो कोई बिल्डिंग लेके उसका किराया उसे मिलता है, फिर उसकी कीमत बढ़ती है, फिर बेचता है, फिर इन्वेस्ट करता है। अब जिस बंदे के पास ये सरमाया नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो वो तो बेचारा गरीब से गरीब ही होता जाएगा, वो हमेशा पिसा रहेगा। अच्छा, ये जो वेल्थ ऑफ पीपल है, ये कसरत से थी लोगों के पास, ये चीज इसको महसूस हुई, ये सियासी बगावतें इसलिए होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी थी, गरीबों के पास कम। अब इसने क्या किया, इसने डिक्रीज कर दी सैलरीज नोबेल्स की और फ्यूडल्स की, जो इसके मतलब मशवरा गिर थे, सो दे कुड नॉट रिवोल्ट। ये के अली साहब कहते हैं कि इसने इनकी सैलरीज डिक्रीज कर दी, लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर में आपने ये बात सर, की। जी बेटा, ये हमने रिवोल्ट की हम बात की है, कोई ऐसे प्रॉपर हमारे पास गवर्नर थे जिन्होंने रिवोल्ट की थी, ये कोई ऐसे पर्सनालिटीज वगैरह हाँ, बहुत सारे लोगों ने स्पेसिफिक थे जिसको हम इसको। पॉइंट आउट करें? जी, बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ रिवोल्ट की थी इसके। मैंने उनको इग्नोर कर दिया, मैंने लिखा नहीं, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। मैं आपको ना वो बता देता हूँ क्वेश्चन के एंड पे ना, जिन जिन के नाम है ना, तो वो मैं स्लाइड्स पे टाइप कर दूंगा ताकि वो इसका हिस्सा बन जाए, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है सर। हाँ, ये है के अली साहब, इन्होंने ये बात की। अच्छा, इसमें अब एक पब्लिक वेलफेयर थी, इसमें ये तीन हमारे राइटर ने इनका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये जो इसने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी दी थी, बेसिकली ये पब्लिक वेलफेयर के लिए थी, पब्लिक वर्क्स के लिए थी, इसने अवाम के लिए दी थी। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये इसने अपनी जात के लिए दी थी, इसने इसको सियासी मिलिट्री बेनिफिट से, इसने अपनी एक्सपेंशनिज्म करनी थी, दौलत को कंसोलिडेट करना था अपने तक, और इसने अपना डिफेंस मजबूत किया था ताकि अपनी जो 15-16-20 साल गवर्नमेंट है वो उसको अच्छे तरीके से चला सके, नेशनलाइज करने का मकसद था, ये खुल के खा सके। अब एक स्कूल, एक बंदे ने स्कूल बनाया और उसने उसकी ब्रांचेस खोलना शुरू कर दी। लेट्स सपोज आप अलाइड स्कूल और ये पंजाब कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को देख लें, मियां आमर साहब का सिस्टम है और उन्होंने ये सारा सिस्टम किया हुआ है, तो अगर गवर्नमेंट में कोई बंदा आता है मियां आमर के खिलाफ, तो वो इस सारे सिस्टम को नेशनलाइज कर देता है। तो मियाँ आमर साहब का तो सारा सिस्टम जीरो पे आ गया ना, वो तो उनको एक खास अमाउंट मिलेगी, भाई जो करना है करो, वो फिर इस सारा उसका सिस्टम जो है वो जीरो, बाहर जाके बिजनेस करेगा या यहाँ तो कर नहीं सकेगा, दोबारा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसने वो सारे का सारा सिस्टम, जहाँ पे लोगों ने बिजनेसेस डेवलप किए हुए थे, स्टोर हाउसेज बनाए थे, गोदाम बनाए थे, वो सारे इसने कंट्रोल कर लिए थे। वहां पे जहाँ पे प्राइवेट गोदाम बना था, एक बंदा प्राइवेट गोदाम पे वो सामान खरीदता था और उधर से आगे सप्लाई करके बेचता था। अब इसने वो सारे कंट्रोल करके वहां पे गवर्नमेंट ऑन कर दिए थे, तो इसलिए ये सारी चीज। लेकिन ये कहते हैं जो मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं जनाब ये पब्लिक वेलफेयर के लिए था, ये अच्छा काम था। खैर, एनीवे, अब जो इसके प्राइस कंट्रोल पॉलिसी के बेसिकली फीचर थे, अब वो क्या थे, वो है क्या थी, वो क्या चीज थी, इसने क्या किया था, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी में बेसिकली चीजें क्या थी। अब इसमें प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो है, उसमें आपको नाम से जाहिर है, इसने प्राइस को कंट्रोल कर दिया था। क्या किया था? प्राइस को कंट्रोल कर दिया।
प्राइस को कंट्रोल कैसे किया? नंबर वन पे इसने क्या किया, फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस फिक्स कर दिया। फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस में क्या किया, प्राइस ऑफ एवरी आइटम फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन लेवल ये होता है कि किस लेवल तक वो प्रोड्यूस हो रही है। अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो उसकी प्राइस को कम कर दी, अगर कम हो रही है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रख दी। तो इसी तरह प्रोडक्शन लेवल के लिहाज से जो प्राइसेस हैं वो वाइस वर्सा, अगर प्रोडक्शन लेवल कम है प्राइसेस ज्यादा हैं, प्रोडक्शन लेवल ज्यादा प्राइसेस कम है, और फिक्स कर दी। 15 साल तक ये प्राइसेस ऑलमोस्ट फिक्स रही, तो ऐसे नेचुरली मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये बड़ी एक गलत सी पॉलिसी थी। ये इसने बेसिकली कोशिश की कि रेगुलेट करे, जो मार्केट को काबू में कर ले, प्राइसेस जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज थी जो रोजमर्रा लोगों को जरूरत पड़ती थी। अगर आपको डेली चीनी, पत्ती, दूध, घी, ये जो चीजें हैं इनकी जरूरत पड़ रही है, जितनी भी एसेंशियल दाल की, सब्जी की, एसेंशियल कमोडिटीज की, इनकी प्राइस अगर फिक्स कर दी जाए, हर बंदे ने कपड़ा भी खरीदना है उसकी प्राइस फिक्स कर दी जाए। अब इसने इवन दो कि बेटा वेजेस, मजदूरों की वेजेस भी फिक्स कर दी थी। इसने एडमिनिस्ट्रेशन इतनी जबरदस्त की थी, इसने ये चीजें इन्फोर्स कर दी थी, रेगुलेट कर दी थी, है ना। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बताया, वाज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल, सो कॉल्ड। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। खैर, बर्नी क्या कहते हैं, बर्नी साहब का व्यू है, एक बर्नी हमारे हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि प्राइस वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू बार आवारी ब्रिंगिंग आउट। ठीक है, मतलब उसने कहा था जो होर्डिंग है इसमें से चीजों को निकालें, कहाँ छुपी है पता चल जाए, किस बंदे ने गंदम छुपाई है, चावल छुपाया। प्राइस ऑफ एवरी आइटम इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्वेंट्स, जो वेजेस थी, कैटल्स, मवेशियों की, वो फिक्स कर दी थी। ये चिराग दहलवी ने कहा, ये उसकी कोटेशन है। अब इसमें वेजेस किस तरह उसने फिक्स की, एक मजदूर है ये, आजकल जो अभी हर साल आपको पता चलता है ना यार, ये मजदूरों की तनख्वाह मिनिमम 32,000 हो गई है, 18,000 थी, 25 हो गई है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, अलाउद्दीन खिलजी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो फिक्स्ड प्राइस आजकल डॉलर शॉप्स चल रही हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने आज से तकरीबन 800 साल पहले दिल्ली में डॉलर शॉप का कॉन्सेप्ट दे दिया था। ठीक है, तो डॉलर शॉप है ना, 1 डॉलर की आप ये जितनी भी एक शॉप में चीजें हैं वो 1 डॉलर में मिल जाएंगी आप, ये गुड्स के लिहाज से। और फूड प्रोडक्ट्स जो बेकरीज हैं जहाँ पे आइटम्स की जो प्राइसेस हैं फिक्स हैं, आप ना उनमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें जो है। ठीक है, अब ये चिराग दहलवी साहब ने कहा कि इसकी जो फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस थी वो मेन फीचर था, उसके बाद देखते हैं क्या था। अब इसने दूसरी जो मैंने आपको चीज बताई है, सप्लाई एंड डिमांड को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। एक बंदा है ना, उसके पास लेट सपोज एक होजरी है कपड़े की, उसने खड़ियां लगाई हुई है कपड़े की, वो कपड़ा पैदा कर रहा है, वो इतना ज्यादा पैदा कर रहा है कि वो बार बार मार्केट में बेच रहा है। अब उसकी डिमांड जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है, अब उस लिहाज से उसकी कीमत तो कम हो जाएगी, जितनी वो सप्लाई देगा कम कीमत पे बेचेगा। अब अगर वो कम सप्लाई दे रहा है तो डिमांड उसकी ज्यादा है तो उसकी ज्यादा कीमत होगी। अब ये सारी चीजें इसने जनाब चीजों की किस्मों के ऊपर, इसने इसको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और उसने कहा कि लैंड रेवेन्यू जो है इसने कलेक्ट किया, जिस तरह की कोई आइटम कर रहा था ना प्रोड्यूस, उस लिहाज से इसने वो कैश कुछ नहीं किया उस आइटम के ऊपर, आइटम के लिहाज से जिसमें पुराने दौर में बार्टर सिस्टम था ना उसके। अब इसने जो स्टेट के वेयर हाउसेस जो है ना वो एस्टेब्लिश कर दिए, स्टेट वेयर हाउसेस जिसमें गोदाम होते हैं, बड़े बड़े बार्न हाउसेस होते हैं, ग्रेनरी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश की जहाँ पे जितना चावल पैदा होगा, गंदम पैदा होगी वहां पे, जैसे आजकल गोदाम सिस्टम है, शैलर सिस्टम है, ये उधर से आया हमारे पास कॉन्सेप्ट। मतलब इसने पहली दफा बरेसगीर में इंट्रोड्यूस कराई थी ये सारी चीजें। अच्छा, ऑल द डीलर्स वर रजिस्टर्ड। अब ये जो फॉर्मल इकोनॉमी है, आप ऐसे तैयार करते हैं सीएसएस का, फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी रजिस्टर्ड। अगर एक दुकानदार है वो साल के 10 लाख रुपया कमा रहा है और उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है, उसको किसी भी तरह का IRS, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का नोटिस नहीं आ रहा है, FPR का नोटिस नहीं आ रहा, तो उसकी इकोनॉमी क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इनफॉर्मल ऐसी इकोनॉमी होती है जितनी भी नॉन रजिस्टर्ड, और हमारे मुल्क में जितने भी अफगानी हैं, जितना वो बिजनेस कर रहे हैं, जितना नॉन रजिस्टर्ड और इनफॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क को एक नुकसान है, वो कौमी दायरे में नहीं आ रहे।
कौमी दायरे में आने का मतलब है कौमी टैक्स अदा करें, लेकिन वो टैक्स के बगैर बिजनेस करते हैं क्योंकि वो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है। इसने क्या किया, तमाम डीलर्स को रजिस्टर किया। एक जो FBR ने कॉन्सेप्ट लिया वो भी यहाँ से आया। जितने भी मुल्कों ने ये कॉन्सेप्ट, सॉरी जितने भी लोगों ने बरेसगीर में इसको अडॉप्ट किया बाद में, इसी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो बंदों की दुकानें थी, लेकिन ये फौरन तो अडॉप्ट नहीं हो सका, काफी साल बाद इसके जो सक्सेसर थे वो डिक्लाइन में भी चले गए थे, इस तरह वो चला नहीं सके, वो इनकॉम्पिटेंट लोग थे। तो इसकी जो दुकानें थी वो सारी उसने टैक्स इवेजन व्हाइट कॉलर क्राइम, बिल्कुल ऐसे ही बेटा। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में 1% लोग पूरा टैक्स लेते हैं, वो भी 0.99% है। तो अब सुना है कि पिछले 2-3 साल से उनकी रेशियो जो है 1.5 से 2.5 तक चली गई है, लेकिन वो कागजों में रियलिटी में नहीं है। अच्छा, जितने भी डीलर थे वो इसने रजिस्टर कर दिए, ठीक है, ड्राफ्टर स्टेट ड्राफ्टर में, और ये जनाब इन्होंने इनको बाउंड कर दिया, अपनी चीजें यहाँ पे बेचो, अपनी चीजें यहाँ पे बेचो स्टेट की मार्केट्स में, ठीक है। और जिसे सराय अदल के नाम से उन्होंने जनाब नाम दिया, और बदायूं गेट के अंदर वाली तरफ, बाहर आप कोई चीज नहीं भेज सकते। इसने गेट मुख्तस किया हुआ था, मतलब कोई पुराने दौर में शहरों के गेट होते थे, लाहौर के भी गेट थे, आपने सुना होगा, गुजरांवाला के भी गेट थे, सियालकोट के भी गेट थे, अभी दरवाजे के नाम से कोई ना कोई सियालकोटी दरवाजा ये वो एक्सेट्रा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम बारादरी ये वो सारे गेट थे। उसने कहा इस गेट के ये हदूद के अंदर अंदर अपनी चीजें बेचोगे, बाहर बेचेंगे, जो बंदा बाहर बेचता था उसे बड़ी सजा मिलती थी, तो और अच्छा खासा सजा, और वो नेक्स्ट टाइम उसे बेचने के काबिल नहीं छोड़ते थे। जैसे आप PPSC का पेपर दे रहे हो या FPSC का पेपर दे रहे हो, तो आपसे वो पकड़ा जाए, मोबाइल फोन या गैजेट्स पकड़े जाएं, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो इसके काबिल नहीं छोड़ते कि आप दोबारा 3 साल या 5 साल। PPSC में तो 5 साल के लिए बैन कर देते हैं, FPSC में 3 साल के लिए करती है, अब सुना कि 10 साल के लिए सजा। अच्छा, यही सीन था कि जो बंदा इसकी दफ्तरी हदूद से, ड्राफ्टी हदूद से बाहर भेजता था, तो वो जनाब फॉर एवर वो आउट कर देता। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक है। ही गेव इजी लोन टू मर्चेंट्स। अब ये कंसेप्ट आजकल नवाज शरीफ ने भी लोन दिए थे, बेनजीर ने भी दिए, इमरान खान ने भी दिए, शहबाज शरीफ ने भी कॉन्सेप्ट दिया लोन का। अब ये देखें कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, ये उस दौर से चलता आ रहा है। इसने लोगों को बताया था कि अगर मैंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म कर लिया है और सारी दौलत मेरे हाथ में आ गई है, मैं लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा, मैं क्या करूंगा, उनको पैसा दूंगा, आसान किस्तों पे कर्जे दूंगा, आसान शराय पे कर्जे जिसपे सूद कम होगा। अभी स्टूडेंट लोन मिलता है, जो जो बच्चे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लोन मिलता है बैंक में से, यार वो 5 लाख तक छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए लोन ले लेते हैं, और उस लोन के जरिए वो अपना बिजनेस रन कर लेते हैं, उसके ऊपर खास सूद नहीं होता। और उन्हें जैसे उनकी जॉब होती है वो बैंक को अपना स्टेटस बताते हैं, और उनकी सैलरी उसी बैंक से स्टार्ट होती है, और फिर उसमें वो थोड़ा थोड़ा कटता जाता है, इस तरह के स्टूडेंट लोन। तो इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के लोन होते हैं। वो जो लोन का जितना भी सिस्टम था, इतने वो जितने भी बिजनेसमैन थे लोन दिए आसान किस्तों पे, छोटे छोटे सूद के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, इसने एक जो सबसे बड़ी चीज जो आजकल भी है, हाँ यू कैन, आजकल क्या है, मिडल मैन का रोल अभी भी, हम रोना रो रहे हैं जब हम आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, तो हमें भी यार ये बताया गया कि मिडल मैन हमारी मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मिडल मैन कौन होता है, हम इसे उर्दू में दलाल कहते हैं, जो क्या करता है, एक चीज का दूसरी चीज के साथ सौदा करवाता है। क्या करना होता है उसने, जनाब ये काशफ है, इसने जो है ना सब्जी लगाई थी, सब्जी पैदा करके इसने पूरी वो उसकी गाड़ी भर दी, और ये जनाब जाके डायरेक्ट तो मंडी में बेच नहीं सका, इसने जाके एक बंदे को दी, वो मंडी में बैठा हुआ था, मंडी में उसने क्या किया, इससे खरीदी, और यहाँ उधर एक जो मिडल मैन होते हैं जो सौदा करवा रहे होते हैं, उधर ना बोलियां लगती हैं, ठीक है, वो सौदा करवाएगा, उससे भी पैसे लेगा, उससे भी पैसे लेगा, दोनों से, और फिर जो बंदा उससे खरीदेगा वो अच्छे खासे उससे पैसे कमाता है सब्जी से, वो थोड़ी थोड़ी करके बेचता है गठरियों में, ठीक है ना, ये गाड़ी भर के लेके गया उसने, 5-5 KG की, 10-10 KG की बना के मुख्तलिफ शॉप्स पे भेजी, गाँव में छोटी छोटी दुकानें हैं, वो डेली की 5 KG गोभी लेके जाता है, ये लेके जाता है, ये सारी चीजें। तो मिडल मैन जो है वो जनाब उसका रोल इसने खत्म कर दिया था मार्केट को। इसने कहा डायरेक्ट एक्सेस देती थी फार्मर्स को मार्केट में, मतलब ऐसे होता है कि एक बंदा दूध का फार्म है उसका, मतलब हम, अब मेरा लेट्स सपोज डेयरी फार्म है, मैं डेयरी फार्म पे मेरी भैंसी हैं, 5 भैंसे हैं मेरे पास फर्ज कर लें,
अब मैं 5 भैंसों का जो है वो सारा उनकी हिदमत मैं कर रहा हूँ, दूध मैं जनाब रात को और दिन को जो है ना दो दो टाइम जो है ना उनका दूध निकालता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मेरे पास एक दोधी आता है जिसे हम पंजाबी या उर्दू में दोधी कहते हैं। वो क्या करता है जी, मिल्क मैन है वो, उसने मोटरसाइकिल पे 2-3 ड्रमियां अपने पीछे लटकाई होती हैं, उनमें वो मेरे से खरीदता है, उसमें डालता है, रास्ते में जाके पानी डालता है और वो लोगों के घरों में जाके देता है। दिस इज अ टाइप ऑफ मिडल मैन। अगर कोई बंदा डायरेक्ट मेरे फार्म पे आके मुझसे वो खरीदता है, या मैं जाके डायरेक्ट गवर्नमेंट ने कोई जगह दी हुई है मैं वहां पे बेचता हूँ, तो मुझे उसका मुआवजा भी ज्यादा मिल सकता है और मुझे फायदा भी ज्यादा होता है। अब ये चीज जो मिडल मैन है, उन सब मिडल मैन का रोल खत्म कर दिया था। इसके बाद क्या था, नो वन वॉज अलाउड टू स्टोर मोर देन 10 मन इन स्टॉक। अगर एक बंदा ने 1,000 एकड़ जमीन के ऊपर गंदम पैदा कर लिया है, तो वो क्या है, एक एकड़ से कम अज कम 45 से 60 मन गंदम पैदा हो रही है आजकल। उस दौर में पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, 20 मन होती है। 1,000 एकड़ वाला बंदा टोटल 10 मन गंदम जो है ना वो स्टोर कर सकता है। ये देख ले मतलब उसने कितना स्ट्रिक्टली जो है ना बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स को उसने स्यापा डाल दिया। तो आजकल फ्यूडल लॉर्ड जो है वो अक्रॉस द बोर्ड है, अबव द लॉ है, उनके ऊपर कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। 10 मन से ज्यादा, 1 मन में पता है कितने होते हैं, 40 केजी। 1 मन में 40 केजी होते हैं और 10 मन में 400 केजी, और 400 केजी से ज्यादा गंदम या चावल आप स्टोर नहीं कर सकते। चावल भी डायरेक्ट नहीं बनते थे, पहले वो मोंजी की फार्म में होते थे, फिर उसके बाद जाके ये सारा। अच्छा, कंज्यूमर्स जो थे उनको अलाउ नहीं था परचेज इन एक्सेस। अब मैं कंज्यूमर हूँ, मैं शॉपिंग करने गया हूँ किसी शॉपिंग मॉल के ऊपर, और मुझे यार मैंने पूरे मंथ की ग्रॉसरी खरीदनी होती है लेट सपोज, तो मैं अपने वो पूरी जो मैंने रेडी पकड़ी हुई थी उसके ऊपर काफी चीजें लाद ली हैं, दालें शालें पूरे महीने की। एक्सेस नहीं, आप 5 दिन से ज्यादा की शॉपिंग नहीं कर सकते। इसने तो कहा हुआ था डेली बेसिस की शॉपिंग करें, लेकिन उधर 5 दिन की भी इसने इजाजत दी। ठीक है, एक एक जगह पे रेफरेंस मिलता है। इसने कहा आप मैक्सिमम 4 से 5 दिन, अगर कोई बंदा दूर काम कर रहा है, मजदूर है, घर से दूर है, इसने कहा 5 से 6 दिन बाद उसे छुट्टी मिलती है, उतने दिन का राशन ले जितने दिन वो घर नहीं आ सकता। ठीक है, ये इसने मतलब इस तरह की कंडीशंस लगाई हुई थी। मुझे कितना ब्रांड चला है, या फॉरेन से भी कुछ आइटम इम्पोर्ट करने थे सारे आइटम। अच्छा, ये मैं बेटा पता क्या होता था, एक उमर क्वेश्चन पूछ रहा जी, जो जितने भी आइटम्स थे वो उधर के होते थे, इंडिजिनस होते थे, या मार्केट में इतना पोटेंशियल था, या हम बाहर से भी कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था। बेटा उसने 2-3 तरह के मार्केट में आई थी, एक तो कैटल थी, एक क्लॉथ थी, और एक जनरल मार्केट थी जिसे हम आम मार्केट, इसमें फूड आइटम्स वो जो भी उधर प्रोड्यूस होता था उधर ही। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं था। और कुछ लोगों को अगर छोटे शहरों में, छोटे गांव में रेट नहीं मिल रहा होता, तो वो दिल्ली में आके बेच देते थे, उनको पता था ये फिक्स प्राइस है, पैसे भी फौरन मिल जाएंगे और सिक्योर भी हो जाएगा माल। इस तरह करके था पोटेंशियल को बहुत ज्यादा, बाहर से कुछ चीजें नहीं आ रही थी। अच्छा, जब कहर पड़ता था फेमाइन के दिनों में, जो कंज्यूमर है वो खरीद सकता था सिर्फ 20 केजी तक, हाफ मन, 1/2 मन। मतलब कहर तक लेट्स सपोज आपको लग रहा है कि कोई पेशीन को ये कि यार ये दिन आने वाले हैं, तो आप उसमें हाफ मन तक मैक्सिमम खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इसने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल ऑफिसर लगाए थे, मजिस्ट्रेट, प्राइस कंट्रोल, जो आजकल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं प्राइस कंट्रोल पॉलिसी में, मार्केट कमेटी में, जितने भी ये मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, ये उसी के कॉन्सेप्ट है। अलाउद्दीन खिलजी से आप अपने पूरे सिस्टम को देखेंगे, इकोनॉमिक्स वाले से जितना भी है वो अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्सेप्ट से आया हुआ है मोस्टली। अच्छा जी, इसने सेपरेट ऑफिशियल्स फॉर मार्केट्स लगाए थे। आजकल वो मार्केट के ऑफिशियल जो कुछ एसीज होते हैं, उनको इतवार बाजार पे या जुमा बाजार पे या फिर रमजान बाजार पे लगाई होती है ड्यूटी, और एसी साहब एबसेंट होते हैं और शहबाज शरीफ का छापा पड़ता है और उनको सस्पेंड करके चला जाता है। ये वो ही चीज है। ठीक है, सेपरेट ऑफिशियल फॉर मार्केट्स इसने जनाब ऑफिशियल्स तब से अपॉइंट किए हैं और आजकल भी वो चल रहे हैं। अच्छा, इसमें ये देखें, ये था दीवाने रियासत, ये भी एक डिपार्टमेंट था रियासत का। क्या था उसमें, प्राइस कंट्रोल जो पॉलिसी है उसकी, इस रूल एंड रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसने दीवाने रियासत बनाया हुआ था। ठीक है, इसमें इसने यकूब खान को जो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इसका मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया हुआ था दीवाने रियासत का, ये सारे मैटर्स ये देखता था, और ये बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी था और इसने बहुत अच्छे तरीके से चलाया, और थ्रू आउट ये ही चलाता रहा जब तक ये गवर्नमेंट में रहा। ठीक
ठीक है ना। मलक काबूल जो था ये इसने मार्केट ऑफिसर लगाया था, इसे शाहाने मंडी भी कहा जाता है। मार्केट ऑफिसर ये जनाब, इसकी थोड़ी सी थी चीजें। अब हम देखते हैं इसने ट्रांसपोर्ट सेक्शन को कैसे, आपको पता है जो ट्रांसपोर्ट का सेक्शन क्या होता है, हम फैक्ट्री कहाँ पे लगाते हैं, जब आप फैक्ट्री लगाते हैं ना आपके पास सबसे बड़ी चीज होती है उसकी लोकेशन। यार इसकी लोकेशन, इससे हमें इस पे पैसा लगाते वक्त ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, हम मटेरियल कहाँ से लेके आ रहे हैं इसको बनाते वक्त, फिर जब हम इसकी प्रोडक्शन करेंगे जिस आइटम की, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो कितनी दूर से, और यहाँ से हम जब सप्लाई करेंगे मार्केट में वो कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। फिर हम ट्रांसपोर्ट सेक्शन जो है वो डेवलप करते हैं, उस लिहाज से फिर हम मार्केट में इंडस्ट्री लगाते हैं। तो इसी तरह जो फील्ड में आप ग्रो करते हैं, अगर एक बंदा गुजरांवाला में जाके बेच रहा है और वो पैदा कर रहा है गुजरांवाला के एंड वाले शहर, किसी दूर दराज में सिटी में जाके बेच रहा है, या लाहौर में जाके बेच रहा है अमरीके से, या अमरीके के किसी गांव में आके, इस तरह के जो शहर हैं, तो वो देखते हैं कि हमें कितना, एक बंदा हम हमारे पास से गाड़ी पे उठा के लेके जा रहा है, हमें अगर 10 रुपए कम भी दे रहा है तो इट्स ओके, जाने में इतनी बचत है भी नहीं। ये सारी चीजें बहुत, अब इसने ये सारी पॉलिसी देने के बाद ना पीछे वरी, अब इसने ट्रांसपोर्ट को कैसे किया, ट्रांसपोर्ट को इसने कैसे कंट्रोल किया, ये बेटा आपने समझ रहे हैं। अब क्या किया इसने, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट उस दौर में क्या होती थी, ये खड्डे, रेड़ियां और ये गधा गाड़ी, ये सारी चीजें होती थी। इसने ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया, अपार्ट फ्रॉम दी डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने के अलावा इसने ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब इसने क्या दी, सहूलियात दी किन को, ट्रांसपोर्टर्स को। ट्रांसपोर्टर्स वो है, आजकल एक बंदा है उसने बस बनाई हुई है, एक ने रेडी बनाई हुई है, एक ने रिक्शा बनाया हुआ है, एक ने उबर बनाई है, एक ने क्रीम है, एक के पास बाइक है, ये सारे ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्टर्स हैं। और जो बड़े ट्रक ट्रक हैं जो है गुड्स ट्रांसपोर्टर, जो सामान को ले जाते हैं बड़े बड़े, उनको हम बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स गिरदानते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की एक यूनियन है, जब वो हड़ताल कर देते हैं और पूरे पाकिस्तान का ट्रेड सिस्टम जैम भी हो जाता है, ठीक है। और मैंने एक दफा लाहौर में इनकी जो है ना हड़ताल देखी थी, तो मैं लाहौर से जाना चाह रहा था वापस गुजरांवाला, लेकिन लाहौर के सारे अड्डे इन्होंने उनके सामने बड़े बड़े ट्रक खड़े करके उसको जैम किया हुआ था। तो ये ट्रांसपोर्टर्स बड़े ट्रक्स वालों को ही बेसिकली कहते हैं, लेकिन उस दौर में जो ट्रांसपोर्टर थे वो इस लेवल के नहीं थे, वो छोटे लेवल के थे, ठीक है। हाँ, पहिया जामड़ का है। ट्रांसपोर्टर्स टू मेक पॉसिबल इजी एक्सेस टू द मार्केट। अब इसने क्या किया, उनको सहूलियात दी। लेट्स सपोज एक बंदे का एक, उसने ना गधा गाड़ी बनाई है, अब गधे के लिए उसने चारा देना शुरू कर दिया, ठीक है ना, गाड़ी के पैसे दे दिए, यार ये चीजें तुमने मेरे लिए काम करना है, मैं तुम्हें मंथली इतने पे करूंगा, पर ये गधा गाड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें उसने ट्रांस, अब घोड़े दे दिए, ऊंट दे दिए, जिस तरह की छोटी चीजें थी जो लाद के लेके जा सकते थे, या सिर्फ गधे लाद के लेके जा सकते थे, गधा भी एक लादू जानवर है, और वो सारी जो है वो इसने स्टेट ओन कर ली थी, और ट्रांसपोर्टर्स इसने रिक्रूट किए, कुछ ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट काम कर रहे थे उनको नेशनलाइज किया, और इन्हें उनको पॉसिबल फैसिलिटीज दी, और उनको कहा कि जनाब ये आपने जो भी मामलात हैं मार्केट में फलां जगह से उठा के लेके आने हैं, डायरेक्ट हर चीज इसने अपने कंट्रोल में ले ली। समझे कि ये उस दौर के नवाज शरीफ थे। अच्छा, इसने जनाब इसके बाद जो बंदा होर्डिंग कर रहा था या मुनाफा कमा रहा था या मुनाफे के लिए स्टोर कर रहा था चीज, जहीरांदोजी होर्डिंग, उसको पूरी तरह, बड़ी पूरी तरह उनको मारा इसने, इनके ऊपर चेक लगाए, एक ऑफिसर तैयन किए। अब क्या किया कि इसने होर्डर्स और प्रॉफिटर जो है उनके खिलाफ क्या किया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, ठीक है। जितने भी बंदे मुनाफा बख्श थे, मजिस्ट्रेट जो था, आजकल भी मजिस्ट्रेट लगा होता है प्राइस कंट्रोल के ऊपर, ये वो ही कॉन्सेप्ट है। और लोकल गवर्नमेंट में आपने देखा होगा, लोकल गवर्नमेंट में म्यूनसिपल ऑफिसर की सीटें आती हैं, पीपीएससी के थ्रू, एफपीएससी के थ्रू, सेम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी आती हैं, लेकिन ये सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन भी आती हैं। लोकल ऑफिसर्स, म्यूनसिपल ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट जितने भी हैं, अब ये जो तहसीलदार होते हैं ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, और जो नायब तहसीलदार होते हैं वो मेरे ख्याल में वो मजिस्ट्रेट में नहीं आते ऐसा सच तो, लेकिन तहसीलदार सेकंड क्लास और एसी जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। ये जनाब इनको इन्होंने अपॉइंट किया था। अब ये देख लें, जो आजकल तहसीलदार या एसी है वो उस दौर की जो कॉन्सेप्ट है, वर आस्ट टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ मार्केट। अब इसने कहा था कि मार्केट में जो सप्लाई है
उसको इरेगुलर नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में डिमांड है डेली का 8 गज कपड़ा या 8 मीटर कपड़ा बिकेगा तो फिर बिकेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 8 बिकेगा तो 6 आएगा, जो कह रहा हूँ वो होगा। मतलब इस तरह इसने ऑर्डर दिया। अच्छा, इसने हुक्म दिया हुआ था कि रेस्ट कर लो। किसको? जो बंदा जहीरांदोजी कर रहा है या जो प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट बना रहा है। अगर मैंने 10 रुपये प्रॉफिट रखी है, कोई 11 रुपये ले रहा है, तो इसको भी रेस्ट कर लो। ठीक है ना? अब इसको कहाँ पे लेके आओ? जो मार्केट का कंट्रोलर है या मजिस्ट्रेट है, उसकी जो है ना अदालत में लेके आओ। आजकल भी आपको पता है मजिस्ट्रेट की ओपन कचहरी होती है, ये वो उसके पास लाओ और वो इसकी सजा तय करेगा। मतलब बादशाह तो इतने इतने काम थोड़ी करेगा। ये इसने बंदे आगे रख दिए थे, और ये बंदे बड़े डेड ऑनेस्ट लोग थे। तो जितने भी मर्चेंट थे, जितने भी ताजर थे, जितने भी ट्रेडर थे, जितने भी दुकानदार थे, वो सारे क्या थे? रजिस्टर्ड थे। ये इकोनॉमी सारी फॉर्मल इकोनॉमी थी। इसका टैक्स जितना भी था वो गवर्नमेंट को जा रहा था। ग्रेड टैक्स टैक्स भी लगाया हुआ था इसने, लैंड टैक्स जो है ना, ये सारी चीजें ड्यूटीज गवर्नमेंट को जा रही थी। अच्छा, मार्केट की दो तीन तरह की इसने मार्केट बना दी। इसमें एक जनरल मार्केट थी, इसमें हर चीज थी। ठीक है, इसे मंडी भी कहते हैं, बाजारे आमा भी कहते थे इसको। ये बेसिकली फूड आइटम की, आपने देखा सुबह सुबह मंडियों में लोग फ्रूट और सब्जियां जो आपके गांव से बस जाती है फ्रूट खरीदने के लिए या सब्जी लाने के लिए, वो सारी बड़ी सारी टाइम निकलती है तहज्जुद के वक्त पे, और ताकि वो मंडी में सुबह सुबह पहुंच के आपको सुबह 8-9 बजे आपके गांव में सब्जी की दुकान पे सब्जी पहुंचा दे। वो आपने देखी होगी। इसी तरह आजकल भी यही सिस्टम चल रहा है। और ये इसने जनरल मार्केट, जो मंडियां बनी हुई है ना, ये फ्रूट मंडीज, वो इसी ने बनाई थी, इसी के कंसेप्ट पे अभी तक चल रही है। आपको मैंने बताया कि कितनी चीजें हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, और हमारा मुआशरा अभी भी उनको ओन करता है और उनको लेके चल रहा है। अब इसने क्लॉथ मार्केट्स बनाई थी, ये थोड़ा सा डिफरेंट थिंग थी। ठीक है, इसे सराय अदल भी कहते थे। क्लॉथ मार्केट में ये था, इसकी डिटेल में आपको कहता हूँ कि इसमें जो कपड़ा था जनाब, आप खास किस्म का कपड़ा खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं खरीदेंगे, सिल्क नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना, ब्रोकेड नहीं खरीदेंगे, सतीन नहीं खरीदेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर आप किसी ने खरीदना है तो बादशाह की परमिशन होगी। ठीक है, बादशाह की परमिशन के बगैर आप नहीं खरीद सकते। फिर इसने क्लॉथ मार्केट को फंडिंग की थी बकायदा, 20 लाख टन का। जितने भी रिच मर्चेंट्स थे उनको कहा, यार ये तुम ना इस तरह करो, खरीद के लाओ अच्छी क्वालिटी का कपड़ा और मार्केट में अवेलेबल करो, और तमाम लोगों को इस रेट पे मिलना चाहिए। मतलब स्टेट ने ओन किया किसी हद तक भाई। इसके अलावा कैटल मार्केट थी, उस दौर में ज्यादातर मवेशियों का बिजनेस था। जैसे आजकल आपकी मंडियां लगती है ना, मंगल मंडी, इतवार मंडी, जुम्मा मंडी, ये सारी मवेशियों की मंडियां लगती हैं। आपने कोई, आपका कोई माल डंगर जिसे कहते हैं हम पंजाबी में, और जो जानवर है आपने बेचना होता है, भैंस लेके आप मंडी में चले जाते हैं, मंगल वाले दिन वहां पे बेच आते हैं और वहां से खरीद भी लाते हैं। वहां पे लोग होते हैं, वहां पे भी ये मिडलमैन होता है, सौदा करवा भी देता है और आपको ले भी देता है। ये सारी मार्केट इसने बनाई जो उस वक्त की जरूरत थी, जो चाहिए थी। ठीक है, अब क्लॉथ मार्केट में क्या था? तमाम तरह का कपड़ा था, ठीक है, रीजनेबल रेट के ऊपर, रीजनेबल रेट के। आपने बोस की खरीदना है तो बोस की आपको इजाजत नहीं थी। ठीक है, आपने सिल्क खरीदना है, सिल्क की इजाजत नहीं थी। ठीक है, स्पेसिफिक जो कपड़े थे, जो कीमती कपड़े थे, कीमती लिबास था, रेशमी लिबास था, उसकी इजाजत नहीं थी। बादशाह इजाजत देता था, अगर किसी की बेटी की शादी है, किसी का कोई फंक्शन है, कोई फ्यूडल लॉर्ड है, उसने पूछना, सर मे आई डू दिस, मे आई डू दिस, बादशाह कहता था यस सर, नो, अप्रूव्ड और नॉट, तो उस लिहाज से वो चलता था। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कपड़ा मार्केट में क्या किया? 20 लाख टंकाज दिए। ठीक है, इसमें ना 20 लाख टंकाज है। टू, ये टंकाज इसकी जो करेंसी थी ना उस दौर में, टंकाज, वो टंकाज दिए रिच मर्चेंट को, और उनको कहा कि कपड़े खरीदो अच्छी क्वालिटी के, और किसी को भी अलाउ नहीं है ये सिल्क या इसका, ये जो ना ये कपड़े की किस्म है, सेटन, SATUR, नहीं SATAN, ठीक है, सेटन, और ब्रोकेट, और विदाउट परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ मार्केट। मार्केट का जो कंट्रोलर है वो अप्रूवल देगा तो आप महंगे कपड़े खरीदेंगे, आप बोस के खरीदेंगे, सिल्क खरीदेंगे, रेशम खरीदेंगे, ये चीजें खरीदेंगे। और इसने इसको रन करने के लिए पहला 20 लाख टंका दिया, और 20 लाख टंका इसने अमीर मर्चेंट्स को कहा कि लाओ और इस रेट पे बेचना है जिस रेट पे मैं तुम्हें कह रहा हूँ। और कंट्रोल ऑफ, जो मार्केट का कंट्रोलर था, जो ऑफिसर था, उसकी इजाजत के बगैर मार्केट के कोई भी अफेयर्स आप चेंज नहीं कर सकते, रूल्स एंड रेगुलेशन वही रहने चाहिए। ठीक है, कैटल मार्केट में क्या था?
ये मेन ट्रेन थी। अच्छा, ये सारी चीजें किसने किसने बताई है हमें? ये बर्नी बता रहे हैं आपने, ये बर्नी के बारे में। मैंने बर्नी का इंट्रोडक्शन इसलिए लिखा था स्टार्ट में कि बार बार ना लिखा, ये बर्नी की बातें हैं मैं जो बता रहा हूँ आपको, बर्नी ने कोड की हुई है। बर्नी के अलावा जो है ना वो के अली साहब ने इनके ऊपर डिटेल लिखी है, और सुहेल बट्टी ने भी इनको कोड किया है। आप इसमें से ये चीजें जब भी लिखेंगे इन रेफरेंसेस से लिखेंगे। अच्छा, कैटल मार्केट जो है वो मेंटेन की गई, जो कंट्रोलर थे मार्केट के वो कर रहे थे, इसमें हर तरह का मवेशी अवेलेबल था, ठीक है ना? और उनकी भी प्राइस क्या थी? कैटल की फिक्स प्राइस थी। इसमें थोड़े सी मैंने टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी। इसमें सुल्तान हर 40 दिन के बाद मवेशी मंडी को विजिट करता था, ये बात आपकी सबसे इम्पोर्टेंट। ये जो आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखने, सुल्तान यूज्ड टू विजिट आफ्टर एवरी 40 डेज, ये आपने बर्नी के ऊपर डाल देनी है, ठीक है जी? बर्नी ने ये बात की, इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, इसका जो कंट्रोल है वो इतना कैसे चलता रहा, क्या सीन था? ये सारी चीजें अब ये देखे ना, पाकिस्तान में डेली बेसिस पे लॉज आते हैं, नए नए बिल पेश होते हैं, बिल पास भी हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, लेकिन इस बंदे ने इम्प्लीमेंट करवाया, एनफोर्समेंट करवाया सारा कुछ ना। अपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड चेकिंग सिस्टम। इसने उनको अगर देखा कि मेरी मार्केट रेगुलर चल रही है या नहीं चल रही, अगर चल रही है तो कैसे चल रही है, अब इसने उसके लिए ये चार तरह के ऑफिसर्स जो है ना वो अपॉइंट किए हुए थे, फोर ऑफिसर्स या फोर टाइप ऑफ ऑफिसर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मार्केट्स। ये मार्केट की वर्किंग को ये चार तरह के अफसरान जनाब ये करते थे कंट्रोल। इसमें सबसे पहला जो है वो दीवाने रियासत था, शाहाने मंडी था, और स्पाइन सिस्टम जो बड़ा इसका कंट्रोल था चेकिंग के लिए, ठीक है? और सुल्तान एक खुद था, सुल्तान एक विजिट भी करता था और सडन छापे मारता था, ठीक है? अब ये दीवाने रियासत और ये शाहाने मंडी मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं, आपने ये देख लिए होंगे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है? अब ये प्राइस कंट्रोल के लिए जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था दीवाने रियासत को, और बाकी शाहाने मंडी जो है ना मार्केट ऑफिसर था। अब ये चार तरह के ऑफिसर से अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। अब ये देखिए, जो ऑफिसर्स ये चार तरह के अपॉइंट करता था वो उनका क्राइटेरिया क्या होता था? ये एक तो बड़े ऑनेस्ट होते थे बहुत ही, ये इनका क्राइटेरिया बड़ा टफ था। आप समझ लें कि ये CSS का इम्तिहान ही पास करना होता था, एवं मुंह उठा के हर बंदा नहीं आ जाता था। और सिर्फ एबल, ऑनेस्ट, ट्रस्ट वर्थी, वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर्स जो वो अपॉइंट किए जाते थे। और जो बंदा, अच्छा इधर तो ऐसे है ना कि आप एक दफा गवर्नमेंट के खाते में आ गए तो गवर्नमेंट के खाते में आप समझ दें कि गवर्नमेंट ने हमें अपना दामाद रख लिया, तो हम जो मर्जी करें गवर्नमेंट हमें निकाल ही नहीं सकती। और ये वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं था, ये रिक्रूट जरूर करता था लेकिन जो बंदा फेल हो जाता था अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में उसको सजा भी मिलती थी, ठीक है? वो फेल टू अकम्प्लिश देयर जॉब्स, उसको जनाब अच्छी खासी मार पड़ती थी, सजा होती थी, फाइन होता था। अब इसमें एनालिसिस करते हैं, एक डिबेट बन जाती है ये सारी चीजों की, कि इसकी सक्सेस के पीछे रीजंस क्या थी, इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या थे, नेगेटिव आउटकम क्या थे, इसको हम कंक्लूड कैसे, ठीक है? अब एनालिसिस ये है आपका, अपना एनालिसिस आपने ओवरऑल जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या क्रिटिकल एनालिसिस है उसकी बात करेंगे हम। अब ये देखें, अब जो इसकी रीजंस थी, आप इसमें लिखेंगे रीजंस बिहाइंड सक्सेस क्या, कामयाबी क्यों। नंबर वन, जो कीमत थी हर आइटम की वो फिक्स थी रीजनेबल रेट्स के ऊपर। रीजनेबल रेट्स वो होते हैं जो आप और मैं अफोर्ड कर सकते हैं। मार्केट में हम जाएं, हम कानों को हाथ लगाते हुए वापस ना आ जाएं, चीज खरीद के ले आए, ये प्राइसेस इसने फिक्स कर दी। एक ये इसकी कामयाबी का राज था। एक बंदे को पता है कि मैंने 15 साल पहले ये चीज खरीदी थी तो 15 साल बाद भी मैं ये खरीद सकता हूँ, एक ही रेट है, उसको लोगों को रेट याद हो गए हुए थे इस तरह से। अच्छा ये था। अब इसने कंपिटेंट और बड़े ऑनेस्ट गुड ऑफिसर अपॉइंट किए हुए थे, जो मतलब इसमें यकूब खान मैंने आपको पहले भी बताया, जो मार्केट को कंट्रोल करता था, मार्केट की जो सारी प्राइसेस हैं। अच्छा, पनिशमेंट मिलती थी किन को, जो वायलेशन करते थे रूल्स और रेगुलेशन की, जितने भी वायलेटर्स थे वो चाहे होर्डर हो, प्रॉफिटियर हो, या फिर वो जनाब मर्चेंट हो, तो अगर कोई ऑफिसर हो तो वो भी, चाहे होर्डर, प्रॉफिटियर, मर्चेंट या ऑफिसर, कोई भी वायलेशन करे
किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे। अगर फर्ज करें ना, एक ऑफिसर है, उसने एक दुकानदार के साथ अपनी मंथली तय कर ली है कि यार मैं तुम बेचो इतने में, मैं देखूंगा, तू मुझे इतने पैसे देना और ये वो एक्सेट्रा। क्योंकि एक चीज की एक ही दुकान है, तो वो ऑफिसर उसके साथ टाई अप कर सकता था, लेकिन जो पकड़ा जाता था बड़ी सजा होती थी, तो इसलिए किसी ने टाई अप नहीं किया। ट्रस्टवर्दी बंदे वो रखता था, बल्कि उनके इंटरव्यूज भी करता था। पर्सनल इंटरेस्ट, किंग का पर्सनल इंटरेस्ट है ना ये सारी चीजों में, तो वो विजिट भी करता था, मर्चेंट से भी इंटरव्यू करता था, और वो जो लोग ऑफिसर थे उनको भी क्वेश्चनिंग करता था कि हाउ आर यू डूइंग दिस, ठीक है ना। आप ये देखें, लिखा हुआ विजिट करता था मार्केट को और रिपोर्ट्स लेता था। जो आप किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे होते हैं ना, उधर डेली आती है जी डेली वर्क की रिपोर्ट भेजें, क्या किया आज हमने, क्या किया है क्या नहीं किया, हमारे एम्प्लॉयज ने क्या किया। गवर्नमेंट में ऐसे नहीं होता, ठीक है। ऑन रेगुलर बेसिस वो रिपोर्ट लेता था डेली बेस्ड की जो भी थी। अच्छा, एक ये चीज होगी, इसके आगे आगे अभी हम चलेंगे, डिबेट चल रही है हमारी। अब जो ऑफिसर से उनकी ईमानदारी और उसके साथ मुखलसपन था, सिंसेरिटी, उसके बाद इसने जो सप्लाई डिमांड का जो मेथड था और ये ट्रांसपोर्टेशन का मेथड था, इसको बड़ा साइंटिफिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसमें मैनेज किया हुआ था, बड़ा मैनेज था। इसने पूरे स्टैटिशियंस बुलवाए थे, उनको पूछा था कि अगर हम सप्लाई डिमांड इस तरह करते हैं तो हमें क्या इफेक्ट होते हैं, अगर इस तरह करते हैं। इसने पूरा एक साइंटिफिक मेथड निकलवाया, लोगों से मशवरा किया जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे। जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, तो इमरान खान ने कहा कि मैं इकोनॉमिस्ट लेके आता हूँ जो हमें मशवरे देंगे, सिर्फ मशवरे के हद तक। जैसे वो मियाँ क्या नाम था उसका, जिसको इन्होंने कह दिया कि यार ये कादियानी है, तो फिर एहतजाज हुआ था, इमरान खान ने उसे डिसऑन कर दिया। वो सारा इस तरह के उन्होंने लोग लिए और साइंटिफिक मेथड एक जनाब ने निकलवाया। तो इसीलिए सेम वे पे इसने ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम को भी मैनेज किया, इकोनॉमिक्स को नेशनलाइज किया सारा। अब इसने बहुत ज्यादा पावर दे दी थी मार्केट ऑफिसर को। अगर जब मार्केट ऑफिसर के पास पावर होती है ना, फिर वो मार्केट को कंट्रोल भी कर सकता है, लोग उससे डरते भी हैं। जब उनको पता हो ना ये मार्केट ऑफिसर ने पीछे से पूछना, पीछे से ऑर्डर आएगा, फिर हमारे खिलाफ एक्शन होगा, तब तक दिन गुजर चुके होंगे, बात पुरानी हो चुकी होगी, तो हमें कोई नहीं कुछ कहेगा, तो ये सारी चीजें इन्होंने खत्म कर दी। अब इसने मिडलमैन का रोल जो था वो खत्म कर दिया था मार्केट से। जो करेंसी थी लोगों के दरम्यान में, उसको इसने शॉर्ट कर दिया। ऐसे नहीं था हर बंदे के पास वाफर अमाउंट में पैसा पड़ा हो, किसके पास पास अमाउंट से ज्यादा पैसा होता था तो उसको पकड़ लेता, क्योंकि उसने ज्यादातर कम्युनिज्म का सिस्टम फॉलो किया था, कैपिटलिज्म को रोक दिया था, इसने नेशनलाइज कर दिया था। भुट्टो साहब जो थे वो इस्लामिक नेशनलिज्म कम्युनिज्म की तरफ जा रहे थे, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, तो वो इसीलिए भुट्टो को थोड़ा सा कैपिटलिस्ट लोगों ने या लिबरल डेमोक्रेट लोगों ने थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया, और ही वॉज नो मोर। अच्छा, स्कार्सिटी ऑफ करेंसी अमंग पीपल थी, मतलब कमी थी करेंसी की, बहुत ज्यादा लोग खरीद नहीं सकते थे चीजें, तो उनका स्टोरेज या होर्डिंग करना मुमकिन नहीं था। जो अच्छा, इसने ना एक इमरजेंसी में सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, राशन सिस्टम। राशन जो इमरान खान ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था ना, राशन जो लंगर खाने, ये वो, ये लंगर खाने में पक्का लंगर मिलता है, मतलब पके पकाए खाने। राशन सिस्टम में कच्चा होता था, अगर किसी बंदे के पास पैसे खत्म हो गए हैं, करेंसी नहीं है, या किसी के पास खरीदने के लिए उसके मजदूरी नहीं मिली, या फेमाइन आ गया है, कहत आ गया है, जो है ना इमरजेंसी में इसने राशन सिस्टम स्टोर किया होता था, वो उसका एक पूरा डिपार्टमेंट था, और वो राशन बांटता था हकदारों तक, एग्जैक्ट पहुंचता था। कोई बंदा गलत क्लेम नहीं कर सकता था, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती थी कि आया इस बंदे को वाकई जरूरत है या नहीं है, या इसने झूठ बोला। अगर वो बंदा गलत राशन लेता था, उसके पास एक्सेसिव क्वांटिटी में होता था, तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन भी लिया जाता। अच्छा जी, होल द कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट वाज सिस्टमैटिक, पूरा इसने ना एक सिस्टमैटिक तरीके का सारी चीजें, इसको किसी भी जगह पे शिकस्त नहीं हुई। ये सारी चीजें इसने इतने साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से चलाई कि, लेकिन है छोटे लेवल पे थे और बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ था, तो इसलिए लोगों ने इसे बड़ा ओन किया और लोग बड़े सुखी रह रहे थे इसकी गवर्नमेंट में, दिल्ली के अंदर। अच्छा जी, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं हम, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए क्या, फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर हम आपके ये डिबेट फाइनल करते हैं कि हुआ क्या। अच्छा, इसकी प्राइसेस जो थी वो स्टेबल थी रीजनेबल रेट के ऊपर, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, स्टेबल रही, किसी को कोई मतलब अपनी जेब जूस किसी के तंग नहीं। इसने लोगों को क्या किया, उर्फ आम में रिलीफ दिया, लोगों को रिलीफ मिला, लेकिन छोटे लेवल पे था, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। जो मैक्सिमम आर्मी इसने मेंटेन कर ली मिनिमम कास्ट के ऊपर, ये मैंने सारी स्ट्रेटजी समझाई है आपको, मिनिमम कास्ट के ऊपर ये है कि इसने आर्मी को छोटी छोटी सैलरीज दी। अगर एक बंदा पहले सैलरी ले रहा था 50 रुपये, तो इसने 20 रुपये में बंदा रखा,
क्योंकि उसने कहा मार्केट में से तुम्हें चीजें तुम्हारे यूज की, तुम्हारे काम की, तुम्हारी फैमिली के लिए सस्ती मिल जाएंगी, तो इसलिए तुम 20 रुपए में मेरे पास काम करो, तुम्हें और क्या चाहिए, सैलरी भी तो इसीलिए तुम्हें चाहिए थी चीजें खरीदने के लिए, तो चीजें तो मैंने वैसे ही सस्ती की हुई है। तो इसने मैक्सिमम आर्मी अपने पास रखी और आर्मी के जरिए इसने बड़ी फतूहात की, जितनी भी कंक्वेस्ट की सबके ऊपर इसने कंकर किया और इसने जनाब मंगोल्स को भी बुरी तरह शिकस्त दी। अच्छा, ये सिस्टम जो दिल्ली में ऑलमोस्ट 15 साल तक रहा, इसने पहले 4-5 साल इसकी पूरी जांच परख करके फिर इसको दिया था, तो फिर ये एंड वाले इसके जो 15 साल है ये रिमेन रहा। अच्छा, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो थी उसने लोगों की बहुत कम रेट्स के ऊपर बेसिक जरूरियात, बेसिक नेसेसिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज जो है ना उनको, जरूरियात को पूरा कर दिया। अगर एक बंदे ने डेली बेसिस के ऊपर लहसुन खरीदना है, डेली बेसिस के ऊपर प्याज खरीदना है, डेली बेसिस के ऊपर उसने घी खरीदना है, डेली बेसिस के ऊपर उसने नमक खरीदना है, चीनी खरीदनी है, गुड़ खरीदना है, वो सारी चीजें प्राइस कंट्रोल पॉलिसी ये थी कि चीजें फिक्स थी, बेसिक रिक्वायरमेंट लोगों की बड़े छोटे रेट्स पे पूरी हो जाती थी। अच्छा, एक ये यूनिक पॉलिसी थी, बड़ी मुनफरिद पॉलिसी थी, नोवल पॉलिसी थी, न्यू एक्सपेरिमेंट था इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, अब आजकल क्या है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू फिक्स प्राइसेस। अब बताएं मुझे, कर सकती है गवर्नमेंट? नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस कर दे तो फिर गवर्नमेंट अगले साल में दिवालिया हो जाएगी और गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, फिर आप लोग गवर्नमेंट चलाएंगे अपने अपने घर में, हर एक बंदे की नई गवर्नमेंट होगी। अब फरिश्ता साहब क्या कहते हैं, वो एक हिस्टोरियन है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पे क्या कहते हैं, इट वॉज अ यूनिक एंड रिमार्केबल अचीवमेंट। ये यूनिक और बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट, क्या इनके नथिंग लाइक दिस, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, हैड बीन अकम्प्लिश्ड बिफोर एंड नो वन कैन से वेदर इट विल बी पॉसिबल अगेन। इससे पहले भी कोई नहीं कर सका इस तरह की चीज को अकम्प्लिश, और इसके बाद आने वाला भी कोई बंदा नहीं कर सकेगा, ये मेरा दावा है फरिश्ते ने कहा। फरिश्ता एक हिस्टोरियन है, मोहम्मद कासम हिंदू फरिश्ता, वो इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया था, अभी आपको समझ लगी ना, ये इसके बारे में, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट से इसलिए जनाब थोड़ा सक्सेसफुल रहा। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट्स में क्या आता है? अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स में ये होता है कि ये जो सिस्टम था वो दिल्ली तक, बस दिल्ली शहर जो था इसका कैपिटल था वहां तक था, या उसके थोड़े थोड़े सराउंडिंग में जो अब लाहौर के साथ छोटे छोटे जो गाँव हैं उन तक ये पहुंच सकता है। फर्ज कर ले लाहौर आपने देखा होगा, या इस्लामाबाद देखा होगा, कराची, या बड़े शहर जितने भी। अच्छा, इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी एंड लाइफ ऑफ सराउंडिंग एरियाज वाज क्योटिक, सराउंडिंग एरिया से मुराद है, अब दिल्ली की और सराउंडिंग से थोड़ा सा और सराउंडिंग में चले जाएं, अब ये है दिल्ली और ये उसके सराउंडिंग में, यहाँ तक ये इम्प्लीकेबल थी, इम्प्लीमेंट हो रही थी। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लोग बड़ी मिजरेबल कंडीशन में, क्योटिक कंडीशन में रह रहे थे, लोग मर रहे थे। ठीक है, मतलब उनको भूख भी लगती थी, कोई इमरजेंसी राशन सिस्टम नहीं था उनके लिए, प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी फिक्स नहीं था, और वो दिल्ली की सल्तनत में आके भी शॉपिंग नहीं कर सकते थे, वहां पे इसके दरवाजे बने हुए थे, अंदर आते वक्त भी पूछते थे कि हाँ भाई तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कहाँ गया, मतलब तुम रहने के वाले कहाँ के हो, तुम्हारी शनाख्त क्या है और तुम वापस क्या लेके आए और क्या लेके जा रहे हो यहाँ से, पूरी चेक एंड बैलेंस। और लोग दिल्ली वाली दरवाजों के अंदर आके सामान नहीं खरीद सकते थे ना बेच सकते थे, और बाहर के लोग सफर कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, सिस्टम वाज थारोली इरेशनल, ये इरेशनल का सिस्टम था, इल कन्विंस्ड था, इसको कायल नहीं कर सकते आप, किसी को ये नहीं कह सकते यार ये बड़ा अच्छा, इल कन्विंस हम भगवान सिस्टम था, इसके ऊपर अकल मानती नहीं है, एंड आर्टिफिशियल मतलब कंट्रोल किया हो ना, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उसने कहा कि जो ये डार साहब हैं इन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, वो आर्टिफिशियल, ये अलाउद्दीन खिलजी साहब ने भी आर्टिफिशियल वैली के अंदर सिस्टम को कंट्रोल किया था, सर सिर्फ अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए, अपने एक्सपेंशनिज्म को कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये आर्टिफिशियल बीइंग इन फ्लैग्रेंट था, वायलेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक लॉज, जितने भी इकोनॉमिक लॉज थे ये उनकी वायलेशन थी। क्या हुआ इसने, रिजल्ट क्या हुआ, इसमें पॉवर्टी हुई, मिजरी, ह्यूमिलेशन, अब लोगों के अंदर कहत आए, बाद में गुर्बतें आई, लोगों की बदहाली हो गई। ठीक है, ये सिस्टम जैसे ही खत्म होता है तो इसके बाद सारी चीजें ये तबाह बर्बाद, क्योंकि मार्केट कंट्रोल सिस्टम खत्म हो गया, इसके बाद जो बंदा आया था मुबारक शाह वो इसको काबू में नहीं रख सका, उसकी 4 साल तो गवर्नमेंट थी सारी, उसके बाद तुगलक आ गए थे, तुगलकों ने अपना सिस्टम चला दिया था। अब क्या होगा, किंग
आर्मी और गवर्नमेंट को फायदा होता है। किंग आर्मी गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सॉरी उनको तो बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज दे वर कंज्यूमर्स, वो कंज्यूम कर रहे थे। अब एक बंदा प्रोड्यूसर है और वो एक ट्रांसपोर्टर है, वो ला के मार्केट में फिक्स रेट पे बेच जाता है, और कंज्यूमर तो ये तो फायदा कर रहे थे, अपनी अपनी चीजें खरीद रहे थे। आर्मी में बहुत सारे लोग थे जो दिल्ली के अंदर अपॉइंटेड थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, किंग था, उसकी रॉयल शाही थी सारी, अपनी बादशाही और उसका सिस्टम और उसके दरबार को चलाने के लिए जो चीजें आती थी वो भी बाजार पे आती थी, उसको तो फायदा हो रहा था, उसने नेशनलाइज किया हुआ था। अपने लिए इन्होंने बड़ा बेनिफिट बनाया था, कुछ लोगों को बेनिफिट था लेकिन मोस्टली लोगों को इसका नुकसान था। अच्छा, जो इसका कैपिटल था वो ये डॉक्टर एस रॉय क्या कहते हैं, द कैपिटल वॉज फेड बट द कंट्री एट लार्ज वॉज लेट। अब ये क्या था, जो कैपिटल कहते हैं सरमाए को, ओ सॉरी, इसमें कैपिटल होगा दारुल हुकूमत, जो दिल्ली सल्तनत है वो तो बड़ी भरपूर खा पी रही थी, भरी हुई थी, फेड अप थी, मुकम्मल तौर पर उसको एंजॉय कर रही थी, फेड हो गई थी, उसको फीड किया जा रहा था, ठीक है ना, अच्छे तरीके से खुल डुल के पेट भर के खा रहे थे, लेकिन पूरा कंट्री एट लार्ज ओवरऑल जो वो क्या था, ब्लड, वो खून के आंसू रो रहा था, वो खून में लथपथ था और वो मर रहा था भूख से। ये सारा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर एक कोटेशन आ गई, पॉजिटिव पे भी ऊपर भी आ गई, नेगेटिव पे भी आपके पास कोटेशन आ गई, डॉक्टर एस राय की आ गई, पॉजिटिव के ऊपर फरिश्ता की आ गई, ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें ये है, जो मर्चेंट्स हैं और बिजनेसमैन है आल्सो गेन देर, अच्छा इसमें क्या चीज आएगी, एक मिनट ठहरे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स में, हाँ आप ये बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स में आप लाजमी ये तो चीजें आपने बतानी, जो मर्चेंट्स और बिजनेसमैन हैं आल्सो गेन देयर प्रॉफिट, ये अगेन नहीं, इन्होंने अपना प्रॉफिट गेन किया, गेन ठीक है ना, गेन्ड प्रॉफिट, जितने भी दुकानदार थे, ताजर थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी प्रॉफिट अपना कमाया अच्छा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्यों, इन्होंने तो कमा लिया लेकिन जो लोग प्रोड्यूसर हैं उनके लिए बड़ा मसला था, किसान, इट वॉज लॉस टू द फार्मर्स बिकॉज दे हैड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन स्टेट मार्केट, ठीक है। अब इन्होंने सारी चीजें स्टेट की मार्केट में बेचनी थी, रियासत की मार्केट में फिक्स प्राइसेस के ऊपर, और इन्होंने परचेज भी करना था लोकल मार्केट से हाई रेट के ऊपर। अब ये देखें, एक वही चीज जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ से एक्सप्लोटेशन की रिसोर्सेज जो थे रॉ फॉर्म में उधर बर्तानिया में भेजी, और वही चीजें स्टैम्प्ड होके पैक होके रिफाइन होके यहाँ पे हमने महंगे दामों खरीदी, ठीक है ना। हाँ, मेन स्ट्रीम जितने भी बिजनेसमैन थे उनको फायदा हुआ, चाहे वो स्टेक होल्डर थे ना, आर्मी स्टेक होल्डर थी और बादशाह स्टेक होल्डर था, गवर्नमेंट सर्वेंट स्टेक होल्डर थे, मर्चेंट और बिजनेसमैन स्टेक होल्डर थे, इनको फायदा हुआ। बाकी फार्मर्स जो हमेशा से पिसा आ रहा है, आजकल भी देख लें फार्मर पिस रहा था, 2-3 साल पहले खान साहब ने इनके लिए कुछ इकदाम किए, लेकिन आजकल फार्मर्स फिर थोड़े बुरे हालात में, लेकिन अब जो जिन लोगों ने ठेके पे जमीने ली हैं वो बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस फॉर अ शॉर्ट टाइम। अच्छा, फार्मर्स हैड टू पे अलॉट, फार्मर्स को पे करना पड़ता है अलॉट, कहाँ, बिकॉज दे हैड टू पे एग्रीकल्चरल टैक्सेस अलॉन्ग विद अदर टैक्सेस। अब 50% तो इन्होंने ना एग्रीकल्चर टैक्सेस लगा दिए थे। अब किसान ने जब अपनी, अगर उसकी 70% और 70 एकड़ या 80 एकड़ जमीन है और जो जितनी उसने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन के हवाले से जितनी उसने जिन्स उगाई थी, जिन्स कहते हैं जो उसकी फसल है, उस लिहाज से उसने उसके ऊपर ज़राइत का टैक्स भी पे करना था। इसने दो तरह के टैक्स लगाए थे, जितने भी फ्यूडल लॉर्ड थे या जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे, इसने उनको मज़ारों पर ले आया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। अब ये डॉक्टर के एस लाल, ये एक हिस्टोरियन है, ये क्या कहते हैं, उसने कहा ना कभी एग्रीकल्चर और ना ही तजारत ना कॉमर्स फ्लरिश की है अंडर दीज सर्कमस्टांसिस, इन हालात में ये सारी चीजें, ना जरायत का शोभा तरक्की करता है, ना तजारत का, ना कॉमर्स का, और ना ही कोई और शोभा, इस तरह के हालात जैसे फिक्स्ड प्राइस कंट्रोल पॉलिसी इसने दे दी थी, वो ये एक जुल्म था, मुआशी कत्ल था मोस्ट ऑफ द पीपल का, किसानों का, ठीक है, लैंड टैक्स था एक बेटा। अच्छा, दीज वर शॉर्ट टर्म मेजर्स एंड सिस्टम डाइड विद द अलाउद्दीन खिलजी। अब ये बड़ी छोटी टर्म सी, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि बिल्कुल 15 साल के लिए थी,
अलाउद्दीन खिलजी मरा है तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये दफन हो गई। जो इसके सक्सेसर थे उन्होंने फोकस नहीं किया क्योंकि वो एक इनकम्पिटेंट थे। हम इनको इनकम्पिटेंट नहीं कहेंगे क्योंकि वो इससे हो सकता है उनको ये पसंद ही ना हो। अभी जो हिस्टोरियन कहते हैं इनकॉम्पिटेंट थे और उनको मंगोलों का थ्रेट भी नहीं रहा था। मंगोल क्योंकि बिखर गए थे छोटे छोटे ग्रुपों में, अब उन्होंने मंगोलों को काउंटर करने के लिए किसी भी तरह की आर्मी को मेंटेन करके या मेन स्ट्रीम आर्मी को सामने फ्रंट पे नहीं रखना था। इसने बहुत सारे किले इसने भी बनवाए। आर्मी वहां पे जहाँ पे वल्नरेबल इश्यूज थे, पॉइंट थे, वहां पे इसने पॉइंट भी की और बहुत सारी आर्मी इसने जनाब जो है ना वो मेंटेन की। लेकिन अब इसको मंगोल थ्रेट भी नहीं रहा था सल्तनत को, तो लोग भी इनकॉम्पिटेंट थे तो उन्होंने इसकी पॉलिसी को फॉलो ऑन नहीं किया। ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है। अच्छा अब कहते हैं अगर हम देखें ये इसमें ये चीज है। अब कमेंट हिस्टोरियन के कमेंट है, कहते हैं अगर इफ वी लुक ऑन द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन अ ग्रेट किंग राइजेस टू आवर माइंड। हमारे जहन में आता है कि बहुत बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह, क्योंकि लोग उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं और वो खुद भी अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं और भुट्टो भी इससे इम्प्रेस था। और पाकिस्तान में काफी ज्यादा चीजें हम इससे ले रहे हैं और हमारी जो मार्केट की कंट्रोल पॉलिसी है, जितनी भी मार्केट कमेटियां हैं वो इसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है। जैसे हजरत उमर ने एक पॉलिस सिस्टम दिया और इसी तरह इसने एक मार्केट का सिस्टम दिया, इस तरह वो चलता आ रहा है उसी के नाम पर। अच्छा जी, इसने उसके अलावा एक बारानी साहब दोबारा क्या कहते हैं उनके 16 में, अलाउद्दीन रूल्ड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज नेवर रोज आर फेल बट रिमेन कॉन्स्टेंट। जो बर्मी साहब कह रहे हैं, अब इसमें इसको ना आप कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड किस तरह करेंगे? आपके पास हर चीज आ गई है, आपने कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल पॉलिसी है ना अलाउद्दीन की, उसने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसमें बहुत सारी बैड चीजें भी हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, ये बेनिफिशियल थी स्टेट के लिए, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए। आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू की बात करनी है। हम कह रहे हैं इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ, जो बादशाहत थी वो स्ट्रांग हुई और उन्होंने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को अच्छे तरीके से टैकल किया और इन्होंने स्ट्रांग आर्मी को भी मेंटेन कर लिया। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट था। इसके अलावा जो हिंदू रेबल्स थे, जितने भी हिंदू थे जो बागी थे, जितने भी फ्यूडल लॉर्ड थे जो बागी थे, वो क्या हो गए, इनटू पीजेंट्स, वो मजारों में चेंज हो गए। ठीक है, वो बगावत नहीं कर सके स्टेट के खिलाफ। हर चीज अवेलेबल थी टू एवरीबॉडी एट रिजनेबल रेट इस सिस्टम के अंदर, लेकिन इन दीज डेज ऑफ फेमाइन, इस फेमाइन के दिनों में भी होती थी पर, लेकिन अलाउद्दीन का जो सिस्टम था ये आप लेन पोल के मुताबिक तो कह सकते हैं ग्रेट पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट था अलाउद्दीन, लेकिन दिस वॉज फॉर और वेरी शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट एरिया के लिए था। ठीक है जी, एक चीज होगी, पाकिस्तान का भी यही इशू है कि गवर्नमेंट के अलग पॉलिसीज होती हैं, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाता, इस वजह से हर पॉलिसी नाकाम हो जाती है। वाह शाबाश बेटा। हाँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इमरान खान ने कोशिश की बुनियाद रखने की, लेकिन उसने अपनी टीम को सही तरह सेलेक्ट नहीं कर पाया और क्योंकि उसके हालात उस तरह के नहीं थे कि वो सेलेक्ट कर पाता। एनीवेज अब इन उम्मीद है कि जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आएगी तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज लॉन्ग टर्म देनी होती है। 1980 से दे रहे हैं, अभी तक वो चलेंगे, उनकी पॉलिसीज पे पाकिस्तान चल रहा है ना, 1980 से तो वो दे रहे हैं बेचारे। हाँ अच्छा अच्छा जी, 1980 क्योंकि ज़ियाउल हक़ का दौर 70 में शुरू होता है ना, ज़ियाउल हक़ ने पॉलिसी दी थी जो नवाज शरीफ उसको एज इट इज लेके चल रहे हैं। अच्छा अब ये देखिए, हम रिफॉर्म्स की बात हमने की है बेटा, रिफॉर्म्स में सबसे पहले रिफॉर्म्स के वाले से आपने याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी जो है ना। अच्छा आप ये बताएं कि रिफॉर्म्स मैं आपको पढ़ा दूं या यू कैन। नो के वोट ज्यादा आ रहे हैं, नो नो। अच्छा 2 वोट यस के आ गए हैं। अच्छा जी यस 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 जा रहे हैं।
ओके, बस एक बच्चा कह रहा है कि सेंड कर दें। चले मैं 2-3 रिफॉर्म्स आपको मोटी मोटी बताऊंगा, बाकी फिर सेंड भी कर दूँ। अच्छा अब ये देखिए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा बहुत ज़्यादा, इसका इंट्रोडक्शन आपको नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं ये बताने लगा हूँ आपको। इट्स ओके, आई कैन मैनेज। ही वॉज जस्ट द क्वालिटी ऑफ अ बोर्न मिलिट्री कमांडर, ठीक है, एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ रेयर कॉम्बिनेशन इन मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये किसके बारे में कोटेशन है? ऐश्वरी प्रसाद साहब कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी मेरा बेटा, ये जो आपने सारा पीछे पढ़ के आए हैं ना, उसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग, ये उसी के बारे में। अब ये उसकी रिफॉर्म्स के बारे में कहते हैं, वो क्या था, उसके अंदर एक क्वालिटी थी बोर्न मिलिट्री कमांडर की, और एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था जबरदस्त किस्म का। दो चीजें होगी ना, मिलिट्री कमांडर भी था, लड़ भी सकता था और हुकूमत भी चला सकता था। सिविल, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो जनाब पॉलिसी दे लेकिन नाफज भी करवा ले, और रेयर कॉम्बिनेशन से बना है, कम ही इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है जिसमें मिलिट्री की सारी खूबियां भी हों और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सारी खूबियां भी हों। अब जो जनरल क्या नाम है, शाह साहब आजकल, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ, इस दोनों में सेम खूबियां तो नहीं है? अब जनरल आसिम मुनीर सिविल एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये वो बात कर रहे हैं, रेयर कॉम्बिनेशन इन मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत कम है ही नहीं, बल्कि है तो सही, बहुत कम है। इसने जितनी भी जंगें लड़ी हैं ये जीता है, इसने मंगोलों को शिकस्त दी है और इसने एक पॉलिसी भी दी है। अब ये देखें, ये सिविल पॉलिसीज भी अच्छी दे रहा है और मिलिट्री भी बड़ी तरक्की कर रहा है। अब अगर गौरी को देखें, गौरी को मार भी पड़ी है पृथ्वीराज चौहान से, कई जंगों में शिकस्त हुई है, काफी ज्यादा उसको शिकस्त हुई है, 78 से शिकस्त खा रहा था, फिर आगे जाके उसने जाके जनाब एंड 92 में वो जंग जीती, तो फिर वो आके इधर रहना शुरू हुआ। अच्छा, इसकी एक्सपेंशन पॉलिसी और मंगोल पॉलिसी आती नहीं है, वो मैं आपको ना इसकी सेंड कर दूंगा, साथ में एक वॉइस नोट भेजूंगा सुबह, ताकि आपको उतनी उतनी चीजों की समझ आ जाए, ठीक है? आपने परेशान नहीं हो, इसमें वो एक्सपेंशन पॉलिसी इतनी ज्यादा नहीं है। इसमें जो तीन मैंने लिखी है शहर, वो मेन है, डेक्कन है तीन, चित्तर गुजरात और रणथंभौर है, रणथंभौर, तो वो तीनों का एक मैप मैंने आपको पढ़ाया, वो मैप साथ में आपने बनाना है अगर वो पूछ ले, लेकिन वो इस तरह की पॉलिसी पूछता नहीं है, इसकी कभी भी नहीं आई हिस्ट्री जो है ना, जब से सीएसएस के एग्जाम हो रहे हैं, इसकी एक्सपेंशन पॉलिसी है ही नहीं ना इस लेवल की कि वो पूछे। इसकी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी है, यही आती है जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया, ये रिफॉर्म्स आ जाती हैं। अब इसमें देखें जो रिफॉर्म्स हैं, इसमें रिफॉर्म्स 3-4 तरह की, एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बाकी ऊपर जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है और इंट्रोडक्शन के हवाले से वो चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो सेम रहेगा, रिफॉर्म्स भी आप उसको बताएंगे। रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव है, पॉलिटिकल है, रेवेन्यू हुआ, मिलिट्री है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में ये है, अब इसमें कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय वेल्दी पीपल्स। कॉन्फिस्केशन क्या होता है, अपने कंट्रोल में ले लेना, कब्जे में लेना, काबू कर लेना, उससे छीन लेना। अब हम कस्टम में क्या करते हैं, अगर कोई बंदा बाहर से माल लेके आ रहा है या रोड पे स्मगलिंग कर रहा है, तो हम उसे रोकते हैं, सबसे पहले उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक करवाओ, इसकी इनवाइस कहाँ पे है, वो नहीं चेक करवाता, फिर हम उसे डीआर दे देते हैं, डिटेंशन जो रिपोर्ट होती है उसे डिटेन कर लेते हैं, डिटेन के बाद फिर थोड़ा उसे 15 दिन का टाइम देते हैं, वो अदालत में केस चलता है, फिर उसके बाद उसे सीज कर लेते हैं, सीज वो केस चलता रहता है, वो माल छुड़वाने के लिए कोशिश करता है, जब वो उसको प्रूफ नहीं कर पाता कस्टम कोर्ट में या जनरल कोर्ट में, तो फिर हम क्या करते हैं, उसे कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, ये हमारा तीसरा स्टेप होता है। ई कॉन्फिस्केशन मतलब हर तरह से अपने तहवील में ले लेना, वो फिर प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है, फिर हम उसका ऑक्शन करें या उसको बर्न कर दें 26 जनवरी जो कस्टम डे होता है उस पर। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय द वेल्दी, ठीक है। अब क्या था, जितने भी अमीर उमरा थे, जितने भी अमीर लोग थे, जितनी वो प्रॉपर्टी वो फ्यूडल लॉर्ड से, वो जितनी भी प्रॉपर्टी वो इसने कन्फिस्केट कर ली थी, अपनी तहवील में ले ली। अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन ने क्या किया, अबॉलिश्ड प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जितनी भी प्राइवेट आपने करप्शन करके पैसा कमाया, या आपने ट्यूशन पढ़ा के, ईमानदारी से तो घर नहीं खरीदा जाता, आपने 2-4 मकान खरीदे हुए हैं, प्लाट खरीदे हुए हैं, चलो कल को बेचूंगा,
अलाउद्दीन ने जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी आपके अपने घरों के अलावा सारी इसने अबॉलिश कर दी। इसने ना आपका के नो किसी स्टेट ओन प्रॉपर्टी आपका कोई हक नहीं था। इसने एक स्पाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। इसने चेक रखा हुआ था अपने ऑफिसर्स पे, अपने बंदों पे, अपनी सोसाइटी में कौन मेरे खिलाफ बोलता है, कौन प्रॉपर्टी रख रहा है, कौन होर्डिंग कर रहा है, कौन प्रॉफिट कमा रहा है। अच्छा, इसने सिविल और मिलिट्री ऑफिसर दोनों पे चेक रखा हुआ था। इसने जो शराब का इस्तेमाल था वो प्रोहिबिट कर दिया था जनाब 15, और इसने खुद पहला जो एक शराब का जो जाम था वो इसने तोड़ा था। इसने कहा मैं तरक करता हूँ और नो वन विल टेक अगेन। ठीक है, इसने दो तरह के टैक्सेस लगाए थे ये जनाब आपको मैंने, सॉरी, लैंड टैक्सेस 50%, इसको एग्रीकल्चर टैक्सेस भी कहते हैं, और ये ग्रेजिंग टैक्स, ये भी जो मवेशी थे ना कैटल उनके ऊपर था। इसमें जब वो जमीनों में उन्होंने चारा चरना था या उस लिहाज से जितना भी ग्रेजिंग टैक्स था, ठीक है, जमीन के ऊपर दोनों तरफ से किसान ही पिसे थे, वो ही फिक्स रेट पे चीज बेचते थे और महंगी खरीदते थे। सबसे ज्यादा नुकसान किसान का हुआ था इसकी पॉलिसी में। तो इसकी जनाब इसकी वजह से क्या हुआ, लैंड लॉर्ड जो है ना वो मजारे बन गए, पीजेंट्स मजारों को कहते हैं वो जनाब। इसने दीवाने मुस्तखराज जो है वो एस्टेब्लिश किया था करप्शन को रोकने के लिए, जितनी भी करप्शन है उसको सारे को चेक करने के लिए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। तो अब ये बर्नी साहब कहते हैं इट वाज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू ऑब्टेन इवन अ टका डिसऑनेस्टली। टका कहते हैं यार तेरे को टका नहीं आया तो तू मेरे गल्ला करने बढ़िया बढ़िया, वो मतलब कि कोई चीज छोड़ी एक जवानी की जितनी भी करप्शन कोई करता या डिसऑनेस्टली कोई काम करता तो ये पता चल जाता था, इसका स्पाइन सिस्टम बड़ा तेज था तो ये इम्पॉसिबल था, बर्नी ने ये काम। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इतना अच्छा था, सोशल गैदरिंग इसने बंद कर दी थी, सोशल जितनी भी शादियां थी बड़े लेवल की वो इसने कंट्रोल में ले ली थी। अब किसी ने कोई भी काम करना था वो सबसे पहले परमिशन किसकी होगी, सुल्तान की। अगर मार्केट में किसी ने नई दुकान खोल ली थी तो वो जो प्राइस कंट्रोल ऑफिसर है वहां का वो इजाजत देगा। और इसमें जो रेट उसने पहली दफा निकाल दिए थे 15 साल, वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इतनी जबरदस्त थी कि कोई बंदा इसको बिटरे नहीं कर सका। इसके बाद इसकी जो पोलिटिकल रिफॉर्म्स थी, पॉलिटिकल रिफॉर्म में जो नोबेल से जलालुद्दीन खिलजी के जो इसके चचा के जिसको इसने मारा था वो बहुत डेंजरस थे, तो इसने सबको ह्यूमिलेट किया वो ताकि वो बगावत ना कर सके, मारा भी, उनकी तनख्वाहें भी कम कर दी, उनको डिमोट भी कर दिया। जितने भी हिंदू जमींदार थे उनको भी मजारे बना दिया, हिंदू जमींदार जो इसके खिलाफ रिवोल्ट करना चाह रहे थे जैसे मलिक काफूर ने किया या और दूसरा था उसका क्या नाम है, ही रिमूव्ड ऑल जलाली नोबेल्स, जितने भी जलाली नोबेल्स थे इसने उनको जनाब हटा दिया था हाई पोस्टों से, और इसने अपनी जगीरें वापस ले ली थी जो जलालुद्दीन खिलजी ने इनको जगीरें दी थी। ये इसकी पॉलिटिकल रिफॉर्म थी ताकि उनके पास जगीरें होंगी, लोग उनकी बात सुनेंगे, उनकी पंचायत चलेगी, उनका डेरा चलेगा, उनके मजारे होंगे, उनका पैसा होगा तो फिर वो सारी चीजें ले लेगा, तो फिर तो वो जलीलो ख्वार हो जाएंगे। और कुछ सोना था जो इसने दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने नोबेल्स को, ये वो भी इसने वापस ले लिया। अच्छा, पावर ऑफ हिंदू चीफ्स वर क्रश्ड, बतूता कहता है कि जितने भी हिंदू चीफ थे इसने उनकी पावर क्रश कर दी। ठीक है, अब इसके आगे जो रिफॉर्म्स हैं, रेवेन्यू की रिफॉर्म्स और मिलिट्री रिफॉर्म्स, वो मैं आपको बता देता हूँ, उनका आइडिया दे देता हूँ, तो उसमें फिर आपको मैं सेंड कर दूंगा अगर आपको जरूरत पड़ी। अच्छा, इसमें रेवेन्यू रिफॉर्म्स बेटा आपने सुननी है, कोई ऐसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। रेवेन्यू रिफॉर्म में ये था कि ये पहला रूलर था जिसने लैंड सर्वे को इंट्रोड्यूस करवाया, लैंड सर्वे। जमींदार चेंज इनटू इन पीजेंट से मुराद है मजारा बना दिया था, एक लैंड लॉर्ड को मजारा बना दिया, जमीन ठेके पे लेके काम करो, चलो छुट्टी करो, भाग जाओ। ओके, अब ये जो था इसने लैंड सर्वे, लैंड सर्वे का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। लैंड सर्वे को समझते हैं ना, लैंड की सर्वे करके आते हैं किस तरह की है कैसी है, और इसमें जनाब जो उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, फसल कौन सी हो सकती है, इसमें सैंपल लेते हैं, जमीन की मट्टी किस तरह की है, पानी कौन सा अवेलेबल है, नहरी है गैर नहरी है, इरिगेशन के सोर्सेज क्या है, इसमें क्या फसल होगी, वो सारा लैंड सर्वे इसने करवाया। ठीक है ना, अब इसने जितना भी कल्टीवेशन का एरिया था, कल्टीवेशन का एरिया उसकी बुनियाद के ऊपर इसने असेसमेंट कराई, असेसमेंट कल्टीवेशन एरिया की बुनियाद पे असेसमेंट कराई लैंड की, कि जनाब व्हाट शुड बी डन।
कि किस टाइप की जो फसल आप बो रहे हैं और आप मुझे कितना टैक्स देंगे, रेवेन्यू यहाँ से कितना आएगा, ठीक है ना। अब जितने भी इसके जो थे ना ऑफिसर, जितने भी थे, और उनको कहा कि जनाब आपने प्रिविलेजेस चेक करनी है, हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसेस जो हैं वो जो चौधरी चला रहे हैं या मुकदम हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, आपने देखना कि कौन से लोग हैं जो टैक्स इवेड कर रहे हैं। टैक्स इवेजन जो है वो कौन कौन कर रहा है, टैक्स इवेजन जो है उसके खिलाफ इसने कैंपेन चलाई, और उसने कहा जो बंदा टैक्स इवेड करेगा, रिलीजियस रिफॉर्म नहीं किए इसमें कोई ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं, ये वॉज समट रिलीजियस। तो इसने शरीयत के ला जो जो इसने वो इंट्रोड्यूस कराया था ना दिल्ली सल्तनत में, जो सिस्टम था शरा को इम्पोज करने वाला, वो डिपार्टमेंट था उसी पे जो चल रहा था वो था। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया, बर्नी साहब कहते हैं जितने भी हर्ट्स थे, जितने भी चौधरी थे, वो इस काबिल भी इसने नहीं छोड़े थे कि वो अपने घोड़ों पे सवार हो सके, या अपने जो बंदूकें हैं या तलवारें हैं या अपने वेपन्स हैं उनको तलाश कर सकें या अच्छे कपड़े पहन सकें। इसने मतलब कि इस तरह उनको जलील कर दिया था, ठीक है। उसने रेवेन्यू टैक्सेस 50% बढ़ा दिए थे, ग्रेजिंग टैक्स भी लगा दिए थे, ग्रेजिंग एंड रेवेन्यू, ठीक है। अब इसने सैलरीज इंक्रीज कर दी थी रेवेन्यू ऑफिसर्स की, सैलरीज इंक्रीज करने से करप्शन बढ़ जाती है। अब यार यहाँ पे लिखा तो जा नहीं रहा, ये मैं आपको ना अभी मैसेज कर देता हूँ इस क्लास के बाद। ये इसकी रेवेन्यू रिफॉर्म है, फिर मिलिट्री रिफॉर्म है, इसने परमानेंट स्टैंडिंग मिलिट्री स्टैब्लिश की, आर्मी को इसने जो है ना एक फ्रंट रोल दिया, उसके बाद आर्मी वाज पेड बाय द सेंटर, सेंटर इसको पैसे दे रहा था, हॉर्सेस जो है ना उनको इसने ब्रांड कर दिया था कि फलां बंदा इतने हॉर्स रख सकता है, फलां आर्मी ऑफिसर इतने, काबिलियत की बुनियाद पे उनको ना ब्रांडेड हॉर्सेस दिए। जो इसने एफिशिएंट आर्मी थी और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के ऊपर मंगोलों को कम्बैट करने के लिए वो इसने लगा दी, ठीक है ना। सुल्तान ने आर्मी के इंटरव्यूज खुद किए, रिक्रूट किए पर्सनल बुनियादों के ऊपर। तो इसने ऑलमोस्ट 4,75,000 बंदे की आर्मी स्टैब्लिश कर ली, 4,75,000, 4,75,000 बंदे की आर्मी इसने स्टैब्लिश कर ली। उसके लिए इसने एक बनाया था सिस्टम दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज इसने आर्मी को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। फिर इसने क्या किया, किले बनाए, फोर्ट्स बनाए, ठीक है, और उसके अलावा जो मंगोलों को कंट्रोल करने के लिए जो बलबन ने बनाए थे ना उनको इसने रेनोवेट किया था, रेनोवेशन की जो बलबन के किले थे, ठीक है। जितने भी हॉर्समैन थे उनको इसने फिक्स सैलरी दी थी, उसका 234 टंकाज आपने लिखी है, 234 टंकाज फिक्स सैलरी थी। और इसके अलावा एक यहूद भी आर्मी जनरल था। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो ये सारी चीजें, बाकी मैं आपको इसकी रिफॉर्म्स सेंड भी कर दूंगा, ये दोनों जो है, ठीक है। Some soupies introduced music in courts, but he supported them and returned to. ये थोड़ा लिबरल किस्म का आदमी था, इसने कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम नहीं किया, और इसने कहा था जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करता था, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक है। असल में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है जी। टाइम काफी हो गया, तो अपना ख्याल रखें इनशाला, बाकी कोई इशू हो तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। कल हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ेंगे, तो फिर हम मंगोल उस पे चलेंगे नेक्स्ट, मुगलों पे, तुगलक पढ़ के मुगलों पे, ठीक है।